कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई 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 रास रची लो साज सजी लो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टम टमाता शमणाओ छे लावी, ओ लावी एसपीसी को लोग check 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 hello everyone very good morning sabhi log virajman ho jaiye all of you please come inside and sit down class badi hai aapko jagah mil jayegi Please come inside. ठीक है. So guys, very good morning. Can we start? आप सभी का स्वागत है एसपीसी के नए क्लासरूम में. Yes. आज एसपीसी के ओनर अंकिता मैम आपको पार्टी देंगे. ओके प्लीज प्लीज सेटल डाउन गाइस. वेलकम. जो लोग यूट्यूब लाइव है सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है. एवरीवन हु इज देयर ऑन यूट्यूब लाइव सभी का बहुत बहुत स्वागत है. आप सभी लोग बैठ जाओ. थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे भी दिखाए क्लासरूम कैसी. बच्चे बोल रहे हैं हमको भी दिखाओ क्लासरूम क्या क्या बनाई आपने. आज हर्षद सर की नींद नहीं खुली. क्या बोला? आनंद सर की नींद नहीं खुली आज. यस 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 प्लीज सिट डाउन गाइस. बहुत ही बढ़िया. सिट डाउन गाइस. बहुत जगह है उधर राइट और लेफ्ट में बहुत सारी जगह है. प्लीज सेटल डाउन. एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम लेफ्ट. ओके डन गाइस. कैन वी स्टार्ट द लेक्चर. आज हम लोग सब मिलके पढ़ाएंगे आपको जीएसटी. आज पूजा मैम ने हमको काम डेलीगेट किया है. वो मॉनिटर करेंगे हम कैसा जीएसटी भरते हैं. आप लोग बेटा जो खड़े हैं बैठते क्यों नहीं. नेक्स्ट लेक्चर से मैनेज कर लेना. अभी से डिसाइड करना जरूरी नहीं. कल कर सकते हो आराम से.
जो लोग खड़े बेटा आप बैठ जाएंगे, अच्छा आप जगह है आपकी, बेटा दिल्ली बैठ जा, मुन्ना मुन्नी बैठ जा, बेटा आप भी बैठ जाओ, चलो शो विल बिगिन नाउ। प्लीज प्लीज सेटल डाउन एवरीबॉडी। अच्छा हाउ यू फीलिंग एवरीबॉडी, अरे कैसी लग रही है क्लासरूम आपको? ओहो भाई थोड़ा मार्केटिंग कंटेंट बना, अच्छा बोल रहे, एक रील बना दे भैया, कहां गया वो पवन, ये क्या एलिगेंट वगैरह बोला, एक बार सुनना है मेरे को, जरा एक शॉर्ट बना लो जरा, क्या बोल रहे ये मोए मोए क्या है, आई डोंट नो। बेटा आप बैठता हूं, ए चिंडी मुन्नी इसको बिठा दो, हाँ जी। चलो जो लोग दूर दूर से आए सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज यहां पे इस क्लास में पूरे देश भर से लोग मौजूद है, अलग अलग स्टेट से लोग आए, आप सभी का इस क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज द जर्नी ऑफ ग्रुप टू विल बिगिन फ्रॉम टुडे, फर्स्ट लेक्चर जीएसटी जो कि ग्रुप वन का हिस्सा है, बाद में हर्षद सर अपना शो बिगिन करेंगे, हर्षद सर विल टेक केयर, एंड उसके बाद में 3:30 को मैं आऊंगा और आपको बढ़ाऊंगा, राइट right? बस इसकी इसको बंद करवा दे भाई, उसका फिटिंग टिकने हो बंद करवा दो उसको, ओके वो गुंडप्पा की हेल्प लो बंद कराओ, ओके गाइस शुरुआत की थी हमने बहुत छोटे से क्लास से, द क्लासरूम कैपेसिटी वाज ओनली आई मीन 70-80 लोगों की क्लासरूम की क्लास हुआ करती थी इनिशियली, और आज ये पूरा द फ्रंट क्लास, ये उधर वाली क्लास में सीए फाउंडेशन चलेगा, यहाँ पे सीए इंटर चलेगा, और बाजू वाले में 11th 12th चलेगा, और जैसे कि मैंने कहा फाइनल की कोई क्लासेस आजकल फेस टू फेस नहीं होती, राइट किसका रैगिंग करोगे, 11th 12th वालों का, अरे उनको छोड़ दो वो सीए में आएंगे नहीं, मेरा लॉस हो जाएगा, 11th 12th वालों को आने दो सीए में, थोड़ा बहुत एसपीसी का इनकम बढ़ेगा, ऐसे मत करो, ठीक है आ? चलो ठीक है, पूजा मैम बताइए आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप, चेक ओके, सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मुझे बहुत ही मस्त वाली फीलिंग आ रही है, यस बिकॉज अभी क्या है बच्चे आप वही है, बच्चे वही है, एटलीस्ट लेट्स स्टार्ट विद अ नाइस एंड न्यू क्लासरूम के साथ हम लोग नया वाला टैक्स पढ़ना चालू करेंगे एंड दैट इज जीएसटी, यस स्टार मार्क्स, अच्छा आपने क्लासरूम को दे दिए क्या स्टार मार्क, कितने स्टार मार्क दे दिए, फिर से बोलेंगे, अच्छा तो हमने बच्चों ने क्लासरूम को कितने स्टार मार्क्स दे दिए, 2-3-4-5 स्टार मार्क्स, चांद तारे, ओके हम लोग इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को चांद तारे देते हैं और स्टार मार्क्स देते हैं। हर्षद सर दो शब्द आपके, गुड मॉर्निंग बच्चों, आपको बता मतलब आज बहुत खुशी हो रही है कि जैसे आप लोग अभी बैठे हो ना यहाँ पे इस क्लास में, तो मैं और अंकिता हम लोग इसी क्लास में वी वर स्टूडेंट्स, एंड इनफैक्ट ये क्लासरूम जब मैंने एंटर किया वही सीए फाइनल का सारा फ्लैशबैक आ गया था, सो आई थिंक 12 साल के सफर में इस यहाँ से यहाँ तक देखते देखते सो बहुत एक अच्छा फीलिंग है कि बीइंग अ स्टूडेंट एंड सिटिंग ऑन दैट साइड, और आज हम लोग यहाँ पे है एज अ टीचर्स एंड टीचिंग यू ऑल, तो एक बहुत ही अंदर से बहुत खुशी आ रही है, एंड थैंक यू वेरी मच सोपिल सर, आप लोगों ने मतलब ये इतना बढ़िया एकदम अरेंजमेंट किया है, एंड रातों रात मतलब कल हम लोग आए थे क्लास देखने के लिए और ये था, एंड हैट्स ऑफ टू द एफर्ट्स, एंड
अभी आज 1 दिसंबर है, नया महीना है तो, और नए ग्रुप की स्टार्ट शुरुआत हो रही है, तो बहुत रॉक करेंगे अपन मिलके, है ना। एक अलग वाइब आज डे वन से ही हम लोग क्रिएट करेंगे इस क्लास में। नहीं, इस पूरे क्लासरूम के मैनेजमेंट में हमारे लड़कों ने बहुत मेहनत की। दे हैव बीन वर्किंग सिंस यू नो लास्ट यहाँ पे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम इसमें बहुत सारे एजेंसीज और बहुत सारे एसपीसी, कम से 40-50 लोग इस पूरे काम में, ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन किया। पूरी क्लास बड़ी अजीब सी थी पहले, एंड नाउ इट्स बीन कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एंटायर टीम एसपीसी हु हैज रियली वर्किंग हार्ड फॉर दिस। बस मैंने उनको इतना बोला था कि मुझे ऐसी क्लास बनाना है कि मतलब एक वाइब आना चाहिए, दैट वॉज माई विजन, कि ऐसा बनाना ही कि अपने को बहुत अलग सा फील होना चाहिए, लगना नहीं चाहिए क्लासरूम में बैठे, ऐसा लगना चाहिए का ऐसा फील होना चाहिए कि एज ए ना डिफरेंट, पढ़ाई करना बर्डन नहीं लगना चाहिए। जी जी अंकिता, एक शब्द दो शब्द बोलिएगा फिर आगे बढ़ते। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू ऑल। तो जैसे हर्षद सर ने कहा, मैं वही चीज बताना चाहती हूँ कि क्लासरूम में आते से ही बहुत अलग फीलिंग लगी है, एंड जेन्युइनली आई एम सो हैप्पी कि स्टूडेंट से लेकर एज अ टीचर जो क्लासरूम में मैंने पढ़ाई की है, आज वही क्लासरूम में हम लोग पढ़ाने वाले हैं। और ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप सपने देखोगे तो सपने आपके ज़रूर पूरे हो गए। कभी ये मत सोचना कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इन योर सेल्फ। सो फॉर दैट यू हैव टू ड्रीम एंड यू हैव टू वर्क हार्ड, you will surely be able to achieve it. तो एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए। yes. और एक आखिरी मिनट में आपको लेना आपका लेना चाहती हूँ, एक छोटा सा वीडियो बनाया है अबाउट एसपीसी के जर्नी के बारे में, कहाँ से हमने ये थॉट प्रोसेस आया था अबाउट एसपीसी और ये 12-13 साल की जर्नी जो थी वो कैसी थी। सो सिर्फ एक मिनट एंड देन वील स्टार्ट विद द लेक्चर। हेमंत, जानते हैं पूरे भारत भर में एसपीसी ने बहुत नाम किया है अपना। आप सभी जानते हैं सीए फाउंडेशन से लेकर सीए इंटरमीडिएट के, चाहे कोई भी सब्जेक्ट की बात करो, एसपीसी को लोग तहे दिल से चाहते हैं। और उसकी सोशल मीडिया के जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो नंबर ऑफ ब्रांचेस है, जो नंबर ऑफ रैंकर्स हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ते हैं, इससे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि लोग एसपीसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एसपीसी के फैकल्टीज़ के पढ़ाने को लोग बहुत चाहते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एक वजह ये भी है कि मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग, टीचिंग मेथोडोलॉजी जो एसपीसी ने जो जिस तरह से बनाई है, ये सिर्फ आज से नहीं बनाई, इट्स बीन 15 ईयर्स, ये 15 सालों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाकर उनको समझाया जाता है। ना कि सिर्फ समझाया जाता है बल्कि इस तरह से पढ़ाया जाता है ताकि वो चीज़ें उनके दिमाग में एग्जाम तक रहे, और ना कि सिर्फ दिमाग में रहे, पढ़ाने के तरीकों को इस तरह से बनाया कि वो एग्जामिनेशन में अपने दिमाग में जो चीज़ें हैं उसको वो अच्छे से प्रेजेंट भी कर पाए। सो जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है बहुत ही कंसेप्चुअल होती है, जहाँ पे हर कोई कॉन्सेप्ट को बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़कर प्रैक्टिकल दुनिया में उस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज किया जाता है, एग्जाम्पल रियल लाइफ की स्टडीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है, फिर उन कॉन्सेप्ट को आईसीए के मॉड्यूल में जो लैंग्वेज लिखी है वहाँ से कनेक्ट करके बताया जाता है, देखोगे केस स्टडी में हमने जो देखा है वही आईसीए की किताब में लिखा हुआ। ये सिर्फ कोई पीपीटी का प्रेजेंटेशन बताकर फैकल्टीज बच्चों को एक्सप्लेन नहीं करती, ये बहुत ही रियल लाइफ जगह पर ले जाती है। आप जानते हो सीए फाउंडेशन एक फाउंडेशन होता है, बेस होता है सीए करने का। अगर ये फाउंडेशन ही खराब हो गया तो आप इमारत नहीं बना पाओ। एसपीसी की फैकल्टीज का जो मेथोडोलॉजी है ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। इंडिया के सबसे ज़्यादा जो 300 से ज़्यादा स्कोर करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एसपीसी से होते हैं। इसकी वजह ये भी है कि फैकल्टीज को अब इतने सालों का अनुभव है, हर कोई फैकल्टी को 10 से 15 साल का जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा अच्छे से समझ पाते कि ऑफलाइन ऑनलाइन जो टीचिंग चल रही है आजकल, कैसे बच्चों को समझाना चाहिए, कैसे बच्चों को एंगेज करना चाहिए ताकि बच्चों का ध्यान ना भटके, कैसे सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, क्लास में बच्चों को लगे नहीं क्लास चल रही हो, इस तरह से बच्चों का माहौल बनाया जाता है क्लास में ताकि बच्चों को और पढ़ने का मन करे।
वी ट्राई टू क्रिएट लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट. इतना फन वे में पढ़ाया जाता है कि आपको पढ़ाई कभी बोरिंग नहीं लगे, बिल्कुल वो स्कोरिंग लगे आप लगेगी. सीए करना भी कितना आसान है. हर कोई फैकल्टी पूरी मेहनत करती है, 3 घंटे का लेक्चर लेती है, पर मेहनत 15-20 घंटे की उसके पीछे होती है जब जाके 3 घंटे का वो डेटा आउटपुट बनता है. हर कोई फैकल्टी इतने अनुभव के बाद भी बहुत सारा प्रयास करती है, रिहर्सल करती है, बहुत जान डालती है, और बाद में कैमरा के सामने आती है और बच्चों के सामने आती है और सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है. और वो क्लासेस किस काम की, किस फैकल्टीज होने के बावजूद भी बच्चों को सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है. ये फैकल्टी का काम होता है कि कैसे डिफिकल्ट चीज़ों को आसान बनाकर बच्चों को दिमाग में डालें. उसका पूरा ध्यान फैकल्टीज रखती है. फैकल्टीज पढ़ाती है, फिर बाद में बहुत सारा रिवाइज कराती है, बिकॉज हम अच्छे से जानते हैं कि ना किसे पढ़ाना इंपॉर्टेंट है. इस तरह से रिवाइज कराएंगे ताकि चीज़ें उनके दिमाग में रहें. बार बार क्यूमुलेटिव रिवाइज कराते हैं, सभी नोट से कराते हैं, वीडियो से रिवाइज कराते हैं, बहुत सारा रिविजन कराते हैं और चीज़ें उनके दिमाग में फिट करवाते हैं. क्या फ़ायदा है ऐसे पढ़ने का कि अगर जहाँ पे अपने पढ़ाई तो की हो पर आपको याद ही ना आया हो. तो फिर पढ़ाते हैं, फिर बहुत रिवाइज कराते हैं, उसके बाद में टेस्ट ले लेकर उनकी प्रिपरेशन करवाते हैं. इतनी टेस्ट लेते हैं, इतनी टेस्ट, ताकि बच्चों को टेस्ट देना एक बस बाएँ हाथ का खेल हो जाए. एंड दिस इज द कम्प्लीट पैकेज. आई मीन यहाँ पे ना किसी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती, यहाँ पे बहुत रिविजन होता है, एग्जामिनेशन पेपर्स डिस्कस होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है. इस द कम्प्लीट पैकेज जिसको करने के बाद में आपको कुछ और करने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं बचती है. तो गाइस रेस्ट अश्योर, SPC एक ट्रस्ट, एक परंपरा, एक विश्वास है, एक पैशन है, एक जिद है कुछ पाने की. SPC एक इमोशन है. ये बैच 20 नवंबर 2023 को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, बस कुछ ही दिन हुए हैं, जहाँ पे इंडिया की दी बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाने जा रही है. CA फाउंडेशन हैविंग अमेजिंग एक्सपीरियंस, वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग. एंड द न्यू बैच ऑफ CA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st December, यानी कि कुछ दिनों बाद ये बैच शुरू होने जा रही है, 1st December 2023. थैंक यू सो मच. एक मोटिवेशन की वजह से आप इस सुनेगा जो मैं कह रहा हूँ भाई, आपके पास में जो वक्त है वो सर जुलाई, अगस्त, सितंबर और प्लीज ये कौन सा लगा दिया भाई? ये कौन सा वीडियो? अगर ओ माय गॉड पास होना है तो जरूर देखे. ये मैं जुलाई 20 वैसा दिख रहा था, हौला दिख रहा था, ठीक है. एनीवेज गाइस जो है अब ऐसा दिख रहा हूँ, राइट भाई साहब. आज क्लास का डे वन है, ऐसा फोटो निकालो कि हम भी है और स्टूडेंट्स भी है, बस ये याद है. और ये फोटोज हम लोग मेमोरी की तरह इस क्लासरूम में हमेशा यूज करेंगे. फर्स्ट डे इज ऑलवेज वेरी स्पेशल. आई स्टिल रिमेंबर द डे वन ऑफ माय क्लासरूम, व्हेन आई स्टार्टेड इन 2008. आई स्टिल रिमेंबर दैट डे. और आई थिंक ये दिन भी हम सबको याद रहेगा. इट्स वेरी स्पेशल एंड दैट्स व्हाई दिस बैच इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी स्पेशल, राइट. इस क्लासरूम को बनाने में बहुत हमने वो सब कुछ चीज़ें की यार, तो आपको बहुत अच्छा लगे, उम्मीद है आप भी मजे करोगे, राइट. एक फोटो लेते हैं, देन मैम विल स्टार्ट विद GST. या यस ओके, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई. उधर से एक में आ जाएगा सब, या सब अच्छा हम ऐसे आएंगे तो इधर से आ जाए. ओह इसको नीचे कर दे थोड़ा सा बैठ के, जैसा तू बोले. हम सिर्फ हर्षद सर का सुनते जब वो बोल देते, सुनते नीचे खड़े हो जाए. अरे श्योर इधर जा, उधर जा. ओके मैं बैठ जाऊं कि मेरी हाइट का ही प्रॉब्लम हो रहा है. मैं बैठता हूं, तुम सब खड़े रहे हो. तुम्हारा बेटा, आई एम सो सर, इनका चारों का अलग सा लेना, बिकॉज ये नहीं आ रहा. ठीक है, एक ऐसा निकालो. ओके राइट, अच्छा हुआ. हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी. बच्चे बोल रहे बाबा किधर है, मतलब बाबा उठे नहीं आज. थोड़ा सा आप भी थे सुनते, एग्जैक्टली कितने बजे उठे हैं? आपको जानना है एग्जैक्टली कितने बजे उठे, और आज नहाए भी या नहीं पूछे आएंगे. ना क्या वैसे कितने बजे उठे? 7:30
नहीं नहीं एट क्या गाड़ी को भगाया क्या उड़ाया आपने? ठीक है, एक तस्वीर लेना चाहते हैं सर, फिर आपके दो शब्द सुनेंगे और मैम लेक्चर स्टार्ट करना चाहती। ओके, थोड़ा सा उधर सा रख जाओ, जरा वाइड एंगल ले लो, सारे स्टूडेंट्स आना चाहिए। ओ माय गॉड, क्या क्या हो रहा है, कैसे हम लोग खड़े हैं। से पार्टी, आया एंगल से या और चेंज करे? एक वीडियो ले लो भाई, आप लोग सब बेटा बैठ जाओ ना, आप लोग सब लोग सिर्फ तालियां बजाने की वीडियो आ रहा है, ये वीडियो आपके लिए आपको देंगे वापस से मेमोरी की तरह, जस्ट तालियां बजाते, डोंट स्टॉप। चलो एक मिनट जरा, आ गया तेरा फोटो सब भाई, मुन्ना फोटो आ गया सब, ये सारे बच्चे आए ना फोटोज में, आ गए। आनंद सर आपको कैसे लगा आज एंट्री किया आपने, कैसा महसूस किया, दो शब्द बोलिए। हेलो राधे राधे, गुड मॉर्निंग, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट इज, आपकी भी जय। आप मुझे बताओ, आपको क्लास कैसी लगी है? सो अभी दम लगा के, सो अभी आपने बहुत दिल लगाकर पढ़ाई करना, मैं आपको बताऊं यहाँ से बहुत यादें जुड़ी हुई है मेरी और स्वप्निल सर दोनों की, सो इट इज अ नॉस्टैल्जिक मोमेंट फॉर अस कि वी आर अगेन बैक हियर टू टीच, सो बहुत अच्छी वाइब्स है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठ कर सीए हुए, बहुत बड़े बड़े मुकाम पर है, आई एम श्योर यू ऑल्सो गोइंग अ रॉक, एंड अच्छे से पढ़ाई करो बस, दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। यार तुम सुबह इतने जल्दी उठते कैसे, मुझे ये नहीं पता चला यार, मतलब आज मेरी बैंड बज गई पूरी यार। समझा मैंने क्यों मना किया था सुबह का क्लास लेने के लिए। सो बाबा की जो क्लासेस है वो खत्म हो चुकी है, ग्रुप वन का सफर खत्म हुआ, कुछ लेक्चर्स बाकी है बाबा के, राइट? यस यस यस, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, वंस अगेन इट्स टाइम टू बिगिन जीएसटी। सो गाइस थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, एक बार लाइव स्ट्रीमिंग वालों को हाय हेलो कर दीजिए, बड़े सर हमारे पास ध्यान ही नहीं दे रहे हो, थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। ओके थैंक यू सो मच ऑल द पीपल वॉचिंग अस ऑन लाइव यूट्यूब पे, जो लोग देख रहे हैं धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, मैम ऑल द बेस्ट टू यू, हर्षद सर आपको भी ऑल द बेस्ट, और मुझे आप लोग ऑल द बेस्ट बोले, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। ऑन लाइव यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चेक साउंड चेक, ओके चेक साउंड चेक, ओके बहुत ज्यादा ही पास है ना, आवाज इसकी बढ़ानी है, हेमंत चेक, हो हाइट, ओके साउंड देख लो एक बार, आवाज ठीक है, थिंक दिस माइक इज चेक, लैग हो रहा है, लैग हो रहा है।
चेक चेक साउंड चेक आवाज पण हे होते देखो हेमंत आवाज एकच आहे हा माईक देऊ चेक करू का ऑन ऑन आहे का ऑफ आहे चेक हॅलो 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 चेक साऊंड चेक चलो सेटल डाऊन एव्हरीबडी वील स्टार्ट आवाज देखो सब ठीक आहे क्या व्हॉल्यूम इज ऑल गुड आर वी ऑल गुड टू गो और बढाओ चेक चेक साऊंड चेक 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 अभी आ रही है क्या आवाज ओके क्या नहीं आ रही है आ रही है कि नहीं आ रही आई यूज द अदर इधर चेक अब देखो अभी ठीक है इज दिस ओके आई टेक द अदर माइक दूसरा माइक अब देख लो अब दिस इज बेटर हेलो इज दिस ओके हेलो चेक क्या हो गया अब ठीक है चेक चेक साउंड हेलो We'll start, we'll get started, they'll check till then, तो अपन start तो कर लेते हैं ठीक है ना Yes, all right? Yes. चलो so clap your hands and get charged for this session everybody. Come on, let's start. So guys, let us understand about GST. तो क्या क्या आपको क्या पता है When was GST implemented? Do you have an idea? Hello, check. Yes, Hello. So GST Hello. was implemented check. when? On first? Hello. Hello, on check. 1st July 2017. Do you know 1st July is also a CA day? Yes. Yes. So on 1st July 2017, we implemented GST. So one second. Very, very good morning to all the live streaming students. All good to go? Yes. And my PD, GD students, of course. Yes. So are we Hello. all good to go? Live streaming students? Yes. So aaj aapne kya carry kiya aapke saath? Volume 1 leke aao aap log. Yes. So you're carrying volume 1, your brain mapping book and a notebook, right? So let's understand. Ab dekho, 1st July 2017, government implemented the Gabbar Singh tax. Okay? Kaun sa tax implement kiya? Gabbar Singh tax. So that was GST, right? But we are going to try and make it as a good and scoring tax for us. So it's very, very scoring. It's going to be absolutely... Now in the new syllabus, the weightage of GST is how much? You have a 50 marks. So 50 marks ka weightage hai GST ke liye, right? So ye in fact aapke liye bahut hi achhi opportunity hai to score because it's relatively and comparatively income tax ke comparison mein ye kaafi easy hai. Yahan pe jo aapke topics hai, In the new syllabus, three new topics, three new chapters have got added in GST. There was no change in the income tax syllabus, but GST mein kya hua hai? Three new topics Hello. have been added. Check. Now let us also understand ki GST ke pehle kya teen tha. So let us understand what was the scenario before GST, that means before 1st July 2017. Check, okay. So let us understand what was the scenario before 1st July 2017. So before 1st July 2017, kya kya taxes the aur kya reason hua? What was the reason that we had to shift from these old taxes to the new tax? Aisa kya hua ki hume shift karna pada from the old tax to the new tax regime that is GST. The biggest tax reform that took place post independence ke baad sabse pehla aur biggest tax reform jo hua and that was introduction of GST right now what are the taxes that were there before GST ek second I'll just open a notebook yes hello
ओके, आप लोग अभी मत लिखना, आई विल टेल यू व्हेन टू राइट, ठीक है? हाँ, अब जीएसटी में मेरा पढ़ाने का अप्रोच थोड़ा अलग होने वाला है. एक मिनट, इट्स ऑल राइट, इट विल हैपन, फर्स्ट डे टुडे नो, सो बाय द टाइम दे विल सेटल, डोंट वरी. हाँ, आवाज नहीं आ रही आपको? ओके ओके, नाउ बेटर, यस, ऑल राइट. अब देखो, एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न, the teaching approach is going to be slightly different. The reason it is going to be slightly different because it is theory, है ना? क्या है ये? थोड़ा सा theory है. तो जो theory है हम class में जो मैं आपको पढ़ाऊँगी, थोड़ा सा अलग method use करेंगे हम लोग. जो brain mapping book है वो class में fill करेंगे, माने आपके जो charts है मैं class में ही आपसे करवा के लूँगी. Now why so? सिर्फ थ्योरी अगर मैं क्लास में आपको पढ़ाती जाऊंगी तो आप क्या करते हो? झूमने लगते हो या घूम के आ जाते हो, है ना? तो झूमने लगते हो या गोवा कश्मीर कहीं आप घूम के आ जाओगे. सो आई डोंट वांट दैट टू हैपन. आई वांट क्या? रशिया. किसको रशिया जाना है? सो नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, दैट इज वाई अलॉन्ग विथ टीचिंग हम लोग लिखने वाले हैं. Along with teaching, हम लोग क्या करने वाले? We'll keep writing and filling the brain mapping book. Have you seen this brain mapping book? Yes. Now, brain mapping book के मेरे पास दो copies है. I have a teacher's copy and there is a student's copy. What you have got is a student's copy. तो student's copy में कुछ charts बने हुए हैं, कुछ charts blank है. Now they are blank so that we can fill it up here in the classroom. तो हम साथ में fill up करेंगे. And why is this called as brain mapping book? Because यहाँ पे एक concept को दूसरी concept से connect करके मैंने charts बनाए. Because exam में जो questions आएंगे वो एक एक chapter wise नहीं आएंगे, है ना? तो अगर एक concept interconnected है with some other concept, it is must that we study it also in that same manner. तो ये आपको exam के लिए भी fully prepare कर देगा, ठीक है? तो और moreover ये जो बुक है बहुत इंटरेस्टिंग भी बनाई है, बहुत एफर्ट्स लेके बनाई हुई है. इट्स वेरी वेरी कलरफुल विथ फुल ऑफ चार्ट्स एंड इमेजेस एंड पिक्चर्स, और पिक्चर्स से आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है ना? यस. तो अब हम इसको कहाँ, आज से ही हम ब्रेन मैपिंग बुक यूज़ करना चालू करेंगे, बट उसके पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ के लेते. सो आर वी ऑल रेडी? सो हाउ आर यू गोना सिट? सिट स्ट्रेट, स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट एंड आई कॉन्टैक्ट विथ योर टीचर. Anybody sitting from this corner to that corner, everybody, so that everything goes straight into your heads. Ready everybody? Yes. So let's start. Now, जो हमारा first, let us understand the reason. पहले आप लोग interactive थोड़ा सा करेंगे and मैं यहाँ पर कुछ examples लेके कुछ students को भी बुला के आज आपको GST समझाऊँगी, ठीक है? अब थोड़ा सा आप लोग मुझे बताओ, pre-GST era, मतलब before 1st July 2017. So what was the scene of taxation before 1st July 2017? Correct? Yes. So क्या क्या taxes हुआ करते थे? There was sales tax. Yes. फिर और क्या था? Service tax. Correct. और VAT में sales tax के नीचे ही लिखती हूँ. Yeah. Because VAT is nothing but a type of sales tax. Sales tax को क्या बोला जाता है? VAT. Sales tax को क्या बोला जाता है बेटा? VAT. बरोबर है का? हाँ. अब देखो, ये हो गया हमारा VAT लिखा, सर्विस टैक्स लिखा, और कौन से टैक्सेस है? देयर इज इनडायरेक्ट टैक्सेस में और कौन से टैक्सेस है? देयर इज कस्टम्स ड्यूटी. मैंने इनकम टैक्स के फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स बता दिया है, फिर भी हम थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे. अब देखो, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, और कौन सा टैक्स है? एक्साइज ड्यूटी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, सेल्स टैक्स और वैट ये किस पे लगता है? सेलिंग. किस पे लगता है? कौन सी एक्टिविटी पे लगता है? सेलिंग. कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना बेटा, एक इवेंट होता है, इवेंट. जैसे इनकम टैक्स, ये किस पे लगता है? इनकम पे. तो आप पैसे कमाओगे तो आपको टैक्स लगेगा. वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? एक इवेंट होता है, टैक्सेबल इवेंट बोला जाता है उसको. सो सेल्स टैक्स या वैट किस पे लगता है? सेलिंग इवेंट पे. किस पे लगता है? सेलिंग इवेंट पे. तो वैट और सेल्स टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन सेलिंग ऑफ गुड्स.
ये किस पे अप्लाई होगा? सेलिंग ऑफ गुड्स. सर्विस टैक्स का टैक्सेबल इवेंट क्या है? वी डोंट से सेलिंग ऑफ सर्विसेज, वी से प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, प्रोवाइडिंग सर्विसेज. करेक्ट. तो सर्विस टैक्स का टैक्सेबल इवेंट बोलो सब लोग. चलो, व्हाट इज इट? प्रोविजन ऑफ सर्विस. तो यहां पे मैं क्या प्रोवाइड कर रही हूं? सर्विसेज. ओके. कस्टम्स ड्यूटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है? कस्टम्स ड्यूटी किस पे लगता है? इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. परफेक्ट. तो ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स क्या एप्लीकेबल होता है? कस्टम्स ड्यूटी. बराबर. यस. एंड एक्साइज ड्यूटी इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग. सिर्फ अल्कोहल याद है. इट इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग. इट इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग वेंकट. हाँ, ओनली अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे क्या लगता है? स्टेट एक्साइज. क्या अप्लाई होता है? स्टेट एक्साइज. सेंट्रल एक्साइज इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल गुड्स एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल गुड्स एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. डू यू नो अल्कोहल ये टू टाइप्स का होता है? एक अल्कोहल जो होता है इट इज इंडस्ट्रियल अल्कोहल, है ना, विच इज हम लोग सैनिटाइजर जो यूज करते हैं, दैट इज द इंडस्ट्रियल अल्कोहल. और दूसरा जो होता है इज द अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. इज द अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. करेक्ट. सो यू ऑल कैन ओपन योर नोटबुक्स और इतना पार्ट लिखना चालू कर दो. दिस पार्ट. Why song? No, first day no song. Break. Okay, check. Now okay? I'll take it, okay. अब देखो, अब आवाज सही है क्या? अब बेटर है ना? हाँ, बेटर. ओके. They go all good. Note it down now. Come on, everybody. Start writing. Many students are back. है ना, घर से वापस आ गए. अटेंडेंस काफी अच्छा हो गया है. यस. कहाँ से वापस आ गए? हाँ, ऐसा ही अटेंडेंस रखना अभी फॉर द एंटायर दिसंबर एंड जनवरी. चेक चेक. आवाज ठीक है ना? All okay now? Yes. चलो, note it down fast. Writing speed super fast. Come on, quick. आज नहीं, कल से we'll play songs. Okay? चेअर काढायला सांग. अमर चेअर इथे घे, तर थोडीशी तिथे मध्ये येते ना, स्क्रीनच्या मध्ये येते. चलो, नोट कर दो जल्दी. हो गया लिख के? यस. चलो, सेल्स टैक्स इज ऑन सेलिंग ऑफ गुड्स, सर्विस टैक्स इज ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, एंड कस्टम्स ड्यूटी इज ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, एंड एक्साइज ड्यूटी इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल गुड्स एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. इज दैट क्लियर? यस. नाउ लेट अस गो अहेड एंड अंडरस्टैंड. अच्छा, व्हाट अबाउट व्हाई डिड आई से एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे क्या लगता है? स्टेट एक्साइज. क्या लगता है? स्टेट एक्साइज. स्टेट एक्साइज इज एप्लीकेबल. करेक्ट. यस. तो मैम, ये इतना सब कुछ अच्छे से सेट था, क्या ये जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को कि ये सब कुछ डिलीट करके जीएसटी लेके आए? इज द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट वी आर नाउ गोइंग टू आंसर. Yes, one nation, one tax, but why? Let us understand it in detail, right? नहीं नहीं, मैं चैट्स ऑफ कोर्स पढ़ रही हूँ. आई एम रीडिंग योर चैट्स, डोंट वरी एट ऑल. ओए, स्टॉप दैट, डोंट डू दिस. हाँ, डोंट डू दैट. कम ऑन.
अब देखो, नो नो, आई एम रीडिंग ऑल योर चैट्स, डोंट वरी बेटा, आई एम रीडिंग योर चैट्स. ऑलराइट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद दिस. ठीक है, डू यू नो कैन गवर्नमेंट लेवी एनी टैक्सेस विदाउट पावर? क्या गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कोई भी टैक्स लगा सकती है क्या? नहीं. तो क्या होता है, टेल मी, हाउ डज द गवर्नमेंट डिराइव इट्स पावर्स? द गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यू नो देर आर थ्री लिस्ट, याद है कि नहीं है? अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तीन लिस्ट है, यू हैव थ्री लिस्ट, यस, यू हैव अ यूनियन लिस्ट, यू हैव अ यूनियन लिस्ट, यू हैव अ स्टेट लिस्ट, एंड यू हैव अ कॉन्करेंट लिस्ट, एंड वी हैव अ कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में अभी भी, आज भी कॉन्करेंट लिस्ट में देर इज नो टैक्स आइटम. यहाँ पे कोई भी टैक्स रिलेटेड आइटम प्रेजेंट नहीं है. यू नो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक डिसीजंस रिलेटिंग टू डिफेंस, रिलेटिंग टू फाइनेंस एंड ऑल दैट स्टफ. कौन सा गवर्नमेंट कौन सा डिसीजन लेगा, ये उस लिस्ट में मेंशन किया हुआ रहता है. ठीक है ना, सिर्फ टैक्सेस का काम नहीं होता गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट को और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि डिफेंस होता है, एजुकेशन होता है, हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिकल यू नो सर्विसेज होते हैं. सो दे हैव टू टेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस. तो विच गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक विच डिसीजन, इट इज डिसाइडेड बाय दिस लिस्ट. प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए मैम ये सब आप फिर से क्यों बता रहे हो, क्योंकि प्रॉब्लम इधर ही है, क्योंकि प्रॉब्लम इधर ही है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स द प्रॉब्लम. नाउ यू टेल मी, यूनियन लिस्ट में कौन सा टैक्स आता है? वी नो इनकम टैक्स कौन सी लिस्ट में आता है बेटा? यूनियन लिस्ट में. सो इनकम टैक्स कम्स इन यूनियन लिस्ट. उसके बाद कस्टम्स ड्यूटी भी यहीं आता है. कस्टम्स ड्यूटी कहाँ आता है? यहीं पे आएगा. कस्टम्स ड्यूटी के बाद देर इज एक्साइज. एक्साइज भी यहीं पे आता है. सो एक्साइज ड्यूटी ऑल्सो कम्स इन द यूनियन लिस्ट ओनली. परफेक्ट, यस. सो यू हैव इनकम टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, यू हैव एक्साइज ड्यूटी. ऑफकोर्स एक्साइज ड्यूटी एक्सेप्ट क्या लिखूँ? एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. सबको समझ में आ रहा है? यस. सो एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. तो ये हो गया हमारा यूनियन लिस्ट. अब स्टेट लिस्ट में सबसे ज़्यादा आता है वैट, या उसको हम बोलते हैं सेल्स टैक्स. वैट या सेल्स टैक्स में एक और टाइप का टैक्स होता है, विच इज सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी. सीएसटी ऑल्सो कम्स इन द यूनियन लिस्ट. सीएसटी ऑल्सो कम्स इन द यूनियन लिस्ट. सीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल सेल्स टैक्स. सीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल सेल्स टैक्स. तो सीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल सेल्स टैक्स. अनदर 10 to 15 मिनट्स यू गिव मी एंड आई मेक इट एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर कि क्यों गवर्नमेंट को जीएसटी इंप्लीमेंट करना पड़ा. बहुत ही आपको जस्ट 15-20 मिनट्स एंड यू विल गेट अ कंप्लीट आइडिया कि व्हाई वी हैड टू अबॉलिश दीज टैक्सेस एंड वी हैड टू इंट्रोड्यूस जीएसटी. ओके, नाउ स्टेट लिस्ट में और बहुत से टैक्सेस है बेटा, जैसे स्टैम्प ड्यूटी होता है, ऑक्ट्रॉय होता है, एंट्री टैक्स बोलते हैं जिसको, परचेज टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स. ये बहुत सारे टैक्सेस थे जो कौन लेवी कर रहा था? स्टेट गवर्नमेंट. अब इस टैक्सेस में ना बेटा सिर्फ एक्साइज ड्यूटी नहीं है. जैसे इनकम टैक्स में आपको पता है, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स है, फिर सरचार्ज है, फिर सेस है. दिस इज मल्टीपल टैक्सेस. इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल टैक्सेस. तो इवन इन एक्साइज वी हैड 7-8 टैक्सेस. इन सेल्स टैक्स वी हैड 3-4 टैक्सेस. इन सर्विस टैक्स देर वॉज सर्विस टैक्स, देन देर वॉज कृषि कल्याण सेस, देन देर वॉज स्वच्छ भारत सेस. तो ऐसे अलग अलग सेस और वहाँ पे भी ऐड किए. तो मल्टीपल टैक्सेस थे. ऐसा नहीं है इनकम टैक्स में भी, आपको पता ना, सिर्फ इनकम टैक्स है क्या? नहीं. सिर्फ इनकम टैक्स है क्या? नहीं. इनकम टैक्स है, सरचार्ज है, सेस है बेटा. और ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है. इनडायरेक्ट टैक्सेस का प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताती हूँ. अगर आपको शूज खरीदने, डू यू गो टू द फैक्ट्री? टेल मी नो इफ यू वॉन्ट बाय द शूज. क्या आप फैक्ट्री से लेते हो क्या? नहीं. वो शूज आपके लिए बहुत सफर करके आते हैं. दे कम फ्रॉम फैक्ट्री टू द होलसेलर, होलसेलर टू, नो, पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं. फैक्ट्री से कहाँ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटर. फिर डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर के बाद कस्टमर के पास आता है. तो हम शूज खरीदने फैक्ट्री नहीं जाते. ये इनडायरेक्ट टैक्स का प्रॉब्लम है कि इनडायरेक्ट टैक्स इज अ चेन एंड हर स्टेज पे, यू नो, एक चेन ऑफ इवेंट्स है, पूरी चेन है.
फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चर पहले मैन्युफैक्चर करेगा फिर एक्साइज ड्यूटी पे करेगा फिर वो क्योंकि शूज बेचेगा तो वो सेल्स टैक्स पे करेगा फिर वो आगे किसी को सेल करेगा तो वो बंदा फिर से सेल्स टैक्स पे करेगा आगे फिर से सेल्स टैक्स होगा ऐसे इट इज अ मल्टी पॉइंट टैक्सेशन क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को मल्टी पॉइंट टैक्सेशन क्योंकि ट्रांजैक्शन एक ही नहीं होती है कि एक ही बंदे ने शूज मैन्युफैक्चर कर लिए उसी ने सेल कर दिए डायरेक्टली कंज्यूमर वहां चला गया और वही गुड्स कंज्यूम हो गए ऐसा नहीं है ये प्रॉब्लम है जीएसटी में और ये प्रॉब्लम है इनडायरेक्ट टैक्स में रादर कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ये पूरी एक चेन होती है इट इज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एक्साइज प्लस सर्विस यू नो टैक्सेस बीच में अगर आपने किसी की सर्विसेज इन्वॉल्व कर ली तो सर्विस टैक्स आ जाएगा फिर ये गुड्स सेलिंग होते जाएंगे हर पॉइंट पर टैक्स लगता जाएगा इट्स अ मल्टी पॉइंट टैक्सेशन इट इज अ मल्टी पॉइंट टैक्सेशन नाउ इन द प्री जीएसटी एरा क्या होता है सुन के लेना बहुत ध्यान से प्री जीएसटी एरा में इफ आई एम सेलिंग गुड्स व्हाट एम आई सेलिंग गुड्स इफ आई एम सेलिंग गुड्स वेयर आई एम सेलिंग गुड्स विद इन द स्टेट कहाँ सेल कर रही हूँ मैं विद इन द स्टेट इफ आई सेल इट विद इन द स्टेट तो क्या अप्लाई होता है दिस इज कॉल्ड एज इंट्रा स्टेट सेल ओहो क्या बोलते हैं इसको इंट्रा स्टेट सेल क्या बोलते हैं इसको इंट्रा स्टेट सेल दिस इज इंट्रा स्टेट सेल विद इन द स्टेट का सेल ठीक है ये इंट्रा स्टेट सेल पे उस स्टेट का वैट लगता है क्योंकि वैट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वैट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट करेक्ट है क्या यस इफ आई एम सेलिंग द गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर वन स्टेट टू अनादर बेटा दिस इज कॉल्ड एज इंटर स्टेट सेल दिस इज कॉल्ड एज इंटर स्टेट सेल एंड इस इंटर स्टेट सेल पे जी सी एस टी लगता है क्या एप्लीकेबल होगा बेटा सी एस टी यस मैम वीडियो क्वालिटी बहुत बेटा यूट्यूब पे है यू हैव टू एडजस्ट द सेटिंग्स ओके भूमिका It's on YouTube. You have to adjust the setting. Yes, Janvi, I know there is a cascading effect. Absolutely, we are coming to that only. Absolutely right. Lakshmi ne bola, yes, this sale from one state to another is called as interstate sale. Barobar hai ka? Haan. Ab dekho, is pe kya levy hua? CST. CST ka full form hai Central Sales Tax. अब क्या होने लगा पता है क्या दो स्टेट्स में झगड़ा हुआ सुन के लेना सीएसटी इतना बढ़िया एक्ट था ना बहुत क्रिस्प और क्रिस्टल इसके बीच में कभी भी इंटरप्रिटेशन इश्यूज नहीं हुए सीएसटी बहुत ही अच्छा और वेल प्लान्ड एक एक्ट था तो सीएसटी में क्या हुआ पता है क्या दो स्टेट्स है ना झगड़ा करने लगे जैसे गुड्स महाराष्ट्र से गुजरात गए तो महाराष्ट्र बोलने लगा कि हमको टैक्स लगाना है गुजरात बोलने लगा गुड्स हमारे यहाँ आए तो हम टैक्स लेवी करेंगे फिर बीच में कोई और स्टेट आ जाता है कि इसका रॉ मटेरियल तो हमारे स्टेट से आया हमको भी टैक्स लगाना है और ये ट्रांसपोर्ट होते वक्त हमारे स्टेट से होते हुए गए तो हमको भी टैक्स लगाना है ये मामला ऐसे जाते जाते सुप्रीम कोर्ट तक गया जहाँ पे दो स्टेट्स के झगड़े हुए और फाइनली दे हैड टू टेक दिस मैटर वेयर टू सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कोई भी स्टेट टैक्स लगाएगा ही नहीं तुम बाहर जाओ कौन लगाएगा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट तुम अंदर आओ तुम अभी टैक्स लगाओगे एंड दैट टैक्स विल बी कॉल्ड एज सी एस टी विच इज सेंट्रल सेल्स टैक्स तो वी विल लेव योर टैक्स कॉल्ड एज सी एस टी दैट इज द सेंट्रल सेल्स टैक्स तो बेटा सी एस टी इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला यार हमसे कलेक्शन नहीं हो पाएगा हम लेवी कर देंगे एक्ट हम बनाएंगे रूल हम बनाएंगे लेकिन इसका कलेक्शन है ना स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे CST is, repeat with me, CST is levied by, चलो चलो CST is levied by, it is levied by central government, लेकिन it is collected, सिर्फ collection नहीं, government ने बोला चल तू collect भी कर ले और retain भी कर ले, क्या बोला central government ने, collect भी कर दे और retain भी कर ले, मतलब you keep the money, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा हम कलेक्ट करें फिर तुमको देना है क्या वापस क्योंकि तुम्हारा टैक्स है सीएसटी एक्चुअली कौन सी लिस्ट में आता है यूनियन लिस्ट में कौन आता है क्योंकि उसके ऊपर के लॉस कौन बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट सो सीएसटी इज लेविड बाय लवकर सीएसटी इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्टेड एंड रिटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ कलेक्शन ही नहीं इट विल बी रिटेन ऑल्सो बाय स्टेट गवर्नमेंट अब सवाल आता है कौन सा स्टेट गवर्नमेंट हाँ या नहीं क्योंकि फिर से दो स्टेट्स इन्वॉल्व है इट वॉज डिसाइडेड कि द बाइंग द सेलिंग स्टेट अभी उल्टा कर दिया हमने सेलिंग स्टेट विल कलेक्ट
एंड रिटेन द टैक्स. कौन कलेक्ट करेगा? सेलिंग. तो जहां पे सेलर होगा वो स्टेट जो है दैट स्टेट विल कलेक्ट ऑल्सो एंड रिटेन द टैक्स. दे विल ओनली कलेक्ट दैट CST और वो उनका ही इनकम हो जाएगा. फिर भी मैम उसको फिर लिस्ट में से शिफ्ट करेंगे क्या? वो स्टेट लिस्ट में आएगा क्या? नहीं. उसके लॉज वगैरह बनाने के पावर्स किसके पास है? सेंट्रल. सो इट इज स्टिल गोइंग टू बी अंडर द यूनियन लिस्ट. ओनली कलेक्शन और रिटेंशन ऑफ द मनी इज डन बाय द स्टेट विथ स्टेट सेलिंग स्टेट विथ स्टेट सेलिंग स्टेट. अब क्लियर आ गया? हाँ. अब प्रॉब्लम क्या होने लगा? क्योंकि ऑल दिस इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मल्टीपल पॉइंट मल्टी पॉइंट और बार बार टैक्सेस लग रहे. तो अब देखो एक ट्रांजैक्शन अगर ऐसे होता है, बहुत ध्यान से सुनना. रॉ मटेरियल 100 रुपीज़ का, बहुत ध्यान से सुनना. ठीक है, वी आर कमिंग टू दैट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे आपको अभी क्लैरिटी आ जाएगी. ठीक है, फॉर ईजी पर्पज आई विल अज्यूम द टैक्स रेट इज 10%. ठीक है, अब देखो रॉ मटेरियल की वैल्यू क्या है? 100. रॉ मटेरियल की वैल्यू क्या है? 100. अभी वो लिस्ट वाला नहीं लिखवाया ना. नहीं, अभी कुछ नहीं लिखना है, जस्ट होल्ड ऑन. ठीक है, रॉ मटेरियल 100, उस पर वैट लगा 10 रुपीज़ का वैट. तो टोटल मेरे लिए रॉ मटेरियल का कितना प्राइस हो गया? 110. इसके ऊपर मेरे ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट्स, कॉस्टिंग में सीखा है ना, ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट. सो मान के चलो मेरा ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट इज 90, बराबर है. अब मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो गया? बिकॉज आई एम सेलिंग, मुझे फिर से सेल्स टैक्स देना पड़ेगा. तो वैट आएगा एट 10%, माने कितना? 20. मेरा कस्टमर को बिलिंग होगा 220. ऑब्जर्व ऑब्जर्व, डोंट से एनीथिंग, ऑब्जर्व एंड सी प्रॉब्लम क्या है. अब जस्ट ऑब्जर्व, इज देयर सम प्रॉब्लम विद दैट 20 रुपीज? इज देयर डबल टैक्सेशन? पक्का? अरे तुमको पता है क्या, ये 20 इज अ टैक्स ऑन 200. ओहो, दिस 20 इज अ टैक्स ऑन 200 एंड 200 का ब्रेकअप क्या है? 110 एंड 90. इस 110 पे 100 रुपए पे ऑलरेडी टैक्स लग गया है. उतना ही नहीं, तुम टैक्स पे भी टैक्स लगा रहे हो. देर इज टैक्स ऑन टैक्स, देर इज डबल टैक्स, ऑल दिस इज लीडिंग टू कैस्केडिंग इफेक्ट. जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट ऑब्जर्व. 200 रुपीज पे जब हम 20 रुपीज टैक्स लगा रहे हैं ना बेटा, वो 20 रुपीज इज अ टैक्स ऑन 200 एंड व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ दैट 200? द ब्रेकअप ऑफ 200 इज 110 एंड 90. मतलब मैं फिर से 110 पे भी टैक्स लगा रही हूँ और 90 पे भी टैक्स लगा रही हूँ. इज दैट करेक्ट? नो, डबल टैक्सेशन हो रहा है, दिस टैक्स ऑन टैक्स. ऑलरेडी इस रॉ मटेरियल पे टैक्स लग चुका है. ठीक है, अब और एक सुन के लेना, और प्रॉब्लम क्या है. अब और प्रॉब्लम ये है, फिर गवर्नमेंट सेड ओके वील इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज वैल्यू एडेड टैक्स. कैन समबडी गिव मी 110 रुपीज? आई एम सीरियसली, आई वांट 100 रुपीज का नोट सेपरेट एंड 10 रुपीज सेपरेट. मैं वापस कर दूंगी विद इंटरेस्ट. 100 रुपीज नहीं, ऑनलाइन नहीं चलेगा. 100 रुपीज का नोट चाहिए और 10 रुपए का नोट चाहिए. थैंक यू. किसने दिया याद रखना, नहीं तो सब लोग आएंगे मांगने को. तुमने दिया है? अच्छा ठीक है, अब देखना, ध्यान से सुनना, पे अटेंशन एंड लिसन. ओके, अब देखो, अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, लेट्स हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स. बहुत ध्यान से सुनना, नेक्स्ट 15-20 मिनट्स सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. यू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट 20 मिनट्स माई लाइफ एंड योर लाइफ विल बी इजियर फॉर नेक्स्ट 1.5 मंथ. ओके, yes, and if you don't understand then fantastic. no you will understand, don't worry. Soon ke lo, and slowly and steadily you will get used to the new classroom also. हाँ, थोड़ा सा ये होता है ना, जहाँ पे हम बैठते तो हमको वहीं की आदत हो जाती है, but you will get used to this also. हाँ, okay chili mili, ठीक है. अच्छा, अब सुन के लेना, ये देखो, गवर्नमेंट सेड देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस. तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ने बोला, यही एग्जाम्पल याद रखना, आपका जो रॉ मटेरियल है 100 रुपीज का है और आपका जो टैक्स है वैट ये कितना है? 10. तो ये टोटल हो गया 110. तो दिस इज दैट 110 रुपीज रॉ मटेरियल का, राइट. गवर्नमेंट सेड एक काम कर लो,
आपका जो कॉस्ट, आप जब सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने जाओगे, आपने कॉस्टिंग में सीखा ना कि व्हाट डू वी स्टार्ट विद द कॉस्ट, देन वी ऐड ओवरहेड्स, वी ऐड प्रॉफिट. तो हम लोग क्या करते, गवर्नमेंट ने बोल दिया काम करना, ये जो 10 रुपया है ना वैट का, इसको फिलहाल एक सस्पेंस अकाउंट में डाल दो, इसको कॉस्ट में ऐड मत करो. तो ये 100 रुपया इसको कॉस्ट में ऐड करो, और ये जो टैक्स का 10 रुपया इसको कॉस्ट में ऐड मत करो, इसको अलग से आप फिलहाल टेम्पररी अलग से जस्ट इसको रिकॉर्ड करके रखना. माने ये जो मेरा कॉस्ट होगा रॉ मटेरियल का बेटा, इट विल बी 100. अब गवर्नमेंट ने बोला अब तुम्हारे ओवरहेड्स ऐड कर दो. तुम्हारा ओवरहेड्स और प्रॉफिट कितना था ऊपर के एग्जाम्पल में, 90. तो ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट इज 90. अब मेरा सेलिंग प्राइस क्या बन गया, ओ माई गॉड, मेरा सेलिंग प्राइस क्या बन गया, 190. अब मेरा सेलिंग प्राइस 190 है, तो 190 पे वैट लगेगा, वो क्या रेट से लगेगा, 10%, सो दैट इज 19. सो यू विल से, मैम क्या ही फर्क पड़ा, ऊपर 20 रुपया, इधर 19, वो क्या 1 रुपए के लिए हम ऐसा कर रहे हैं. गवर्नमेंट सेड लेट अस इंट्रोड्यूस, लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनना, प्लीज फोकस एवरीबडी फोकस, रेडी. हाँ, गवर्नमेंट ने बोला लेट अस अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स. क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूं मैं आपको, वैल्यू एडेड टैक्स. सो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वैल्यू एडेड टैक्स. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक काम करने का, ये जो 10 रुपीज है, 10 रुपीज इसको अकाउंटिंग अलग, 100 का अकाउंटिंग अलग, ये 10 टैक्स का अलग, और ये 100 रॉ मटेरियल का अलग. गवर्नमेंट ने बोला अब सुनना, हमको जब तुम टैक्स दोगे, हमें 19 नहीं चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना, हमको क्या चाहिए, 19 नहीं चाहिए. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स. क्या कॉन्सेप्ट है बोलो, आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स. एनी गेसेस, आउटपुट टैक्स क्या होगा, आउटपुट क्या होता है, आपका सेल्स जो फैक्ट्री से बाहर निकलता है. अभी मेरे फैक्ट्री से बाहर शूज आ रहे, शूज इज माय आउटपुट, और फैक्ट्री के अंदर क्या आएगा, लेदर, सोल, रबर, ऑल अदर मटेरियल दैट यू नीड, लेबर, ये सब क्या होगा, इनपुट्स, मशीनरी इनपुट्स. फैक्ट्री के अंदर क्या जाएगा, रॉ मटेरियल जाएगा, मशीनरी जाएगा, ये सब आएगा. तो ये क्या हो गया बेटा, इनपुट्स हो गए. और मेरे फैक्ट्री के बाहर क्या जाएगा, शूज जाएगा. तो शूज इज माय आउटपुट एंड ऑल द रॉ मटेरियल मशीनरी इज माय इनपुट. ठीक है, आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स. सो आउटपुट टैक्स इज टैक्स ऑन योर सेल्स एंड इनपुट टैक्स इज टैक्स ऑन परचेजेस. अरे जब मैं परचेज करती हूँ ना, कोई और सेल करता है ना, जिस दिन तुम समझोगे ना, सेलर भी कभी बायर था, क्या समझना है, सेलर भी कभी बायर था. एवरीबडी इज प्लेइंग म्यूजिकल चेयर हियर. Sometimes I'm sitting in the chair of a seller. Sometimes I'm sitting in the chair of a buyer. One person is a buyer also and he's a seller also. Understand, I'm playing different roles at different stage. When I buy raw material, I'm a buyer. But main us raw material se shoes bana ke jab shoes sell karungi, I will come in the chair of a seller. To seller bhi kabhi buyer tha. Seller bhi kabhi buyer tha. To I'm a seller. Barabar hai na? मैं सेलर हूं एंड आई एम बाइंग गुड्स फ्रॉम द पर्सन फॉर हुम इट इज हिज सेलिंग. बराबर है कि नहीं. अब देखना, सो देयर इज टैक्स ऑन सेल्स एंड देयर इज टैक्स ऑन परचेज. गवर्नमेंट सेड लेट अस अचीव वैल्यू एडिशन. क्या अचीव करेंगे, वैल्यू एडिशन. नाउ हाउ कैन वी अचीव दिस वैल्यू एडिशन, दे से डू आउटपुट टैक्स. क्या करने का, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. अब देखो तुम्हारा आउटपुट टैक्स क्या है, तुम्हारा आउटपुट टैक्स 19 है एंड तुमने ऑलरेडी ये जो 10 रुपए अलग है ना, 10 रुपए अलग लिखा कि नहीं आपने, 100 एंड 10 अलग, 10 इज योर इनपुट टैक्स. तुमने उस रॉ मटेरियल खरीदते वक्त 10 रुपया हमें ऑलरेडी दे दिया है. तुमने रॉ मटेरियल खरीदते वक्त कितना दिया, 110. कितना दिया, 110. तो 100 goes to the seller and 10 rupees goes to the government. तो government says 10 rupees हमें मिल चुका है. So this 10 rupees का आप set off लोगे and you will pay tax payable to the government is 9. And if I show you something, this is so superb and fantastic. Now just listen.
I bought a raw material for 100. I am selling it for 190. मैंने कितना वैल्यू एडिशन किया? 90. उसका 10% 9 गवर्नमेंट सेज यू पे. ऑब्जर्व ऑब्जर्व 2 मिनट्स ऑब्जर्व. आई विल एक्सप्लेन अगेन. ऑब्जर्व. ऑब्जर्व किया? अब देखो, एवरी पर्सन देयर इज अ सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग. ये 4 बार हो रहा है, तो 4 बार हर कोई डबल टैक्स देगा क्या? हर एक को क्या बोला गया? तुम्हारे स्टेज पे जितना तुमने वैल्यू एड किया उतना टैक्स हमको दे दो. फिर दूसरा पर्सन, तुमने जितना वैल्यू एडिशन किया उस पर तुम टैक्स दे दो. तो एवरी पर्सन शुड पे टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन डन बाय दैट पर्सन. सो सी अगेन, आई विल टेल यू. जब मैम ये वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट एग्जांपल. एवरीबडी विल रिपीट विद मी. रॉ मटेरियल कितने का? 100. उस पर टैक्स कितना? 10. तभी गवर्नमेंट ने नहीं बोला ये 10 रुपया अलग करना. तभी गवर्नमेंट ने टैक्स कितना बोला? 110. अब मेरा कॉस्ट कितना हुआ? 110. ओहो, मेरा कॉस्ट कितना हुआ? 110. इस कॉस्ट पे मैंने ओवरहेड्स कितने ऐड किए? अब मेरा सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 200. 200 इज माय सेलिंग प्राइस. सो 200 पे गवर्नमेंट से 10% पे 20. पे कितना? 20. नो वैल्यू एडिशन कॉन्सेप्ट ओवर हियर. नाउ गवर्नमेंट सेड वी अंडरस्टैंड, अरे अरे, दिस इज लीडिंग टू डबल टैक्सेशन. तो एक काम करेंगे. क्या काम करेंगे? ये 100 और 10 को अलग अलग करेंगे, डबल टैक्सेशन अवॉइड करेंगे. बराबर है क्या? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? इस 10 रुपए का हम तुमको क्रेडिट देंगे. 10 रुपए का क्या देंगे? क्रेडिट देंगे. उसको कॉस्ट में ऐड ही मत करो, ये टेम्पररी कॉस्ट है. बाद में, जैसे हम TDS का क्रेडिट नहीं देते, गवर्नमेंट बोलती यार बाद में क्रेडिट ले लेना, तो ये अभी 10 रुपए तुम्हारा कॉस्ट नहीं है. तुमने सिर्फ ये टैक्स गवर्नमेंट तक आपका पहुंच गया है. गवर्नमेंट उसका क्या देगी आपको? सेट ऑफ क्रेडिट. दिस क्रेडिट इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट. क्या बोलते हैं इसको? इनपुट टैक्स क्रेडिट. ये क्रेडिट मिलने से ही वैल्यू एडिशन अचीव होता है. वैल्यू, सी नाउ, वैल्यू एडिशन इंट्रोड्यूस करने के बाद गवर्नमेंट ने वही एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल कितने का है? 100. टैक्स कितना है? 10. ओए, रॉ मटेरियल कितने का है? 100. टैक्स कितना है? 10. अब गवर्नमेंट ने क्या बोला? इसका अकाउंटिंग अलग अलग करो, ये 10 रुपीज अलग रिकॉर्ड करो. अब रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है? 100. बराबर है. 100 में हम क्या ऐड करेंगे? 90 ओवरहेड्स. अब मेरा सेलिंग प्राइस कितना बन गया? 190 पे मुझे टैक्स कितना आएगा? 10%, मतलब 19. गवर्नमेंट सेज डोंट पे 19 में से तुम्हारा ये 10 ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है. नाउ पे ओनली 9. हाउ डिड वी अचीव दिस? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. चलो चलो, कैसे अचीव किया हमने? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. आउटपुट टैक्स 19, इनपुट टैक्स 10. सो टैक्स पेएबल 9. और मैंने आपको क्रॉस चेक करके दिखाया ये फंडा. डिड आई एंड अप पेइंग टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन डन बाय मी? मैंने एक रॉ मटेरियल 100 में खरीदा, मैंने मेरी वैल्यू ऐड कर दी, मेरा प्रॉफिट्स ऐड कर दिया, और वो रॉ मटेरियल अब मैं एक नया प्रोडक्ट बना के कितने में बेच रही हूँ? 190. मैंने कितना वैल्यू ऐड किया? 90. सो आई शुड पे टैक्स ऑफ ओनली 9 रुपीज, क्योंकि टैक्स का रेट 10 है. मेरा वैल्यू एडिशन 90 है, आई शुड पे 9. अगला बंदा उस पर और कुछ करेगा, अपना यू नो ब्रांड नेम लगा देगा. ऐसे ही होता है ना, ये जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो कहीं बाहर से बना के लेते हैं और फिर अपना ब्रांड लगा देंगे, फिर उसकी ओवरहेड्स और उनका पैकिंग और ब्रांड की वैल्यू लगा के और सेलिंग प्राइस करेंगे. दे विल पे टैक्स ओनली ऑन द वैल्यू एडिशन डन बाय देम. नहीं तो हर स्टेज पे हर एक बंदा पूरा टैक्स लेगा तो कितना इन्फ्लेशन हो जाएगा. Therefore, there's a concept of value addition tax. There's a concept of value addition tax. What do you mean by concept of value addition tax? You should pay tax only on the value addition done by you at that stage. And it continues like this. So, ma'am, ye value addition tax old indirect tax mein nahi tha? Tha. Toh fir kyun aap GST leke aaye? Kya ye value addition, dhyan se suno, kya ye value addition ओल्ड टैक्स में था या नहीं था? द आंसर इज इट वॉज देयर. देन व्हाट वॉज द प्रॉब्लम? देन व्हाई आर वी ब्रिंगिंग जीएसटी? द प्रॉब्लम वॉज
the taxes were levied. Some were levied by state government and some were levied by central government. Now I'll explain you that. But before that, ye example lete and then I'll call some students here and I'll with example I will show it to you. Pehle aap likho example likho. Notebook mein nahi. Haan, upar wala. Pehle ye. Oh my God. Kya song? Upar wali list likhni hai tumko? अवघड है तुमको गाना सुनना है ऐसा बोलो काई की लिस्ट लिखनी है तुमको क्या ए रुको एक मिनट ये सेलिंग में एक और पार्ट रह गया ना इफ आई एम सेलिंग आउटसाइड इंडिया ए आई एम सेलिंग वेयर आउटसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया को क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स गेट्स कवर्ड अंडर कस्टम एंड जनरली एक्सपोर्ट पे टैक्स There is no tax. On generally customs पे tax नहीं लगता समझ में आ रहा क्या सबको Are you all understanding? Okay. चुप रहे क्या दो कॉर्ड हाँ दो किसको गाना लगाना लगाओ साइलेंट सा गाना लगाना तू दूर बैठा है अभी आज हाँ लाइव स्ट्रीमिंग क्या ये लिख लिया हो गया कि नहीं लिखो जल्दी क्या इसको क्या जूम इन करना है अभी ए ये तुम होमवर्क के लिए कर लो फर्स्ट डे होमवर्क मतलब स्क्रॉल करो करती हूँ स्क्रॉल करती हूँ अच्छा एक मिनट लीव स्पेस फॉर दिस पहले ये लिखना चालू करो तीन साल में सीए बनने वाले हो तब तक पैसे का भी प्रबंध करो जरा मुझे 500 रुपए चाहिए 50 रुपए चाहिए 550 रुपए हाँ अरे ती मराठी बैग देना हाँ दे दे आगे किसने दिया याद रखना तू दे रहा है एक मिनट कहते 550 भी आ गए बेस्ट है ये जीएसटी के क्लास में क्या रतियां मेरी जीना मुझको रसने लगा सी दिस इज अ सेलर जब से चहकी दिस इज अ बायर जोगन तेरा मारा आ ये मोटा भाई है स्टेट अजून पण आहेत ना हा ते पण द्या बघते रे कस्टम ड्युटी टू टॅक्स हम तो नो टॅक्स ये तीन स्टेट्स आहे वी हॅव दिस हा हा आई कॉल यू हियर यस बच्चे इतने दिनों बाद आ रहे हैं कि वो न्यू एडमिशन है कैसे लग रहा है मुझे न्यू एडमिशन न्यू एडमिशन न्यू एडमिशन सत्य बोलता है मैम शाहिद और हिमांशु आया है कि नहीं वो देख के मैं बोलूं क्या देखो क्या रे यस ऑन एक्सपोर्ट जनरली हम कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगाएंगे जनरली मेरा सरमाया है नो कस्टम्स मेरा सरमाया हूं मैं आजा मुझे सीख दे मुरझाया हूं मैं जैसे मेरा दामन है तू और तेरी छाया अभी डन I like this timing, 8 to 11. Light button. हाँ मेरे यहाँ भी वो shine हो रहा है. Light में है shine होते हैं.
अंदर हो गए. हे 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 अभी डन उर्वशी बुक नहीं मिली है ठीक है बट कब से डिस्पैच हो गया बेटा उर्वशी यू मस्ट बी लाइव स्ट्रीमिंग और समथिंग ए बस ना ए टाइम अप है आपको डेटा आणि ट्रांजॅक्शन साठी है झेड प्लस सिक्युरिटी असो कुठला ऍप आहे रमी सर्कल यू विल गेट यूज्ड टू इट वेट हो जाएगा कुछ भी जो इश्यूज है विल सॉल्व वहां पे बेंच ऐसे थे ना हां इश्क में दिल बना है इश्क में दिल फना है एक मिनट गाना पॉज कर अब सुनो यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल विथ नो वैल्यू एडिशन दिस इज एग्जाम्पल विथ नो वैल्यू एडिशन रुको रुको लिखो पहले एग्जाम्पल विथ नो वैल्यू एडिशन झेपता है क्या बराबर है सो दिस इज एग्जाम्पल विथ नो वैल्यू ये लिख के हो गया अब दिस इज एग्जाम्पल विथ व्हाट बेटा वैल्यू एडिशन दिस इज एग्जाम्पल विथ वैल्यू एडिशन समझ में आ गया सो राइट दिस नाउ गाना सुनना है क्या तुमको नो राइट फास्ट Come on, write fast, everybody. Meri bhi le le. चलो डन आर वी ऑल डन इश्क में दिल बना है स्क्रॉल इश्क में दिल फना है ओ हंसा दे यार रुला दे मैंने तुझको चुना है ओ दुनिया कहती इश्क भूल है बेफजूल है गाना बंद कर दो ओके अब सुनना डिड यू अंडरस्टैंड दिस इज वैल्यू एडिशन ये वाला पार्ट में थोड़ा अच्छे से लिखवा के दू क्या आपको हाँ वेट दिस बॉक्स आई विल राइट इट अगेन तो हियर वील से वैल्यू एडिशन कितना वैल्यू एडिशन हुआ रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है 100 एंड फाइनली सोल्ड फॉर क्या चल रहा है उधर फाइनली सोल्ड फॉर व्हाट प्राइस 190 देयरफॉर वैल्यू एडिशन कितना होगा 90 देयरफॉर टैक्स एट 10% ऑफ 90 तो टैक्स कितना आ रहा है 9 सो इज दिस टैलिंग यस ये देखो ये 9 और ये 9 टैली हो गया दैट वी आर हैविंग टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन वी आर हैविंग टैक्स ओनली ऑन व्हाट बेटा वैल्यू एडिशन तो मैम ये सब सही तो था मतलब ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स में ये भी था तो प्रॉब्लम क्या है अब बताती हूँ प्रॉब्लम क्या है रेडी यहां तक आ गए क्या आप सो नाउ शुड आई टेल यू Which new chapters are added? We have 3 new chapters of accounts, एक TDS और एक place of supply. So 3 new chapters, Divyansh. Okay? हाँ final से enter में आ गया चलो ready है क्या तुम ready है अभी हो गया हाँ
अब सुनो, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है? लेट्स से ये जो बायर है, नाउ आई नीड सम अदर स्टेट्स. राधे, हमारे दो कैरेक्टर्स जो होने वाले हैं, एक होने वाला है राधे और एक होने वाला है मोटा भाई. मोटा भाई अब सुनो, ये जो मोटा भाई है ही इज अ सेलर एंड राधे जो है इज अ बायर. राधे जो है इज अ बायर एंड मोटा भाई इज अ सेलर. एंड मोटा भाई कौन है? सेलर है. अब ध्यान से सुनना, ये जो राधे है, राधे इज अ बायर एंड ही इज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, करेक्ट? तो अभी कौन महाराष्ट्र गवर्नमेंट बनना चाह रहा है? महाराष्ट्र का सीएम कौन बनना है? वन ऑफ यू कम, कम वन ऑफ यू कम, वन गर्ल. आई एम कॉलिंग कॉलिंग, वेट. तू दिल्ली की है ना? महाराष्ट्र. गुजरात से कौन है? कम वन ऑफ यू कम, ये ले एक मिनट. गुजरात कौन है? गुजरात से कौन है? आजा. राजस्थान. हाँ रुको रुको, एक मिनट रुको. आजा, तू कौन सी गवर्नमेंट है? होल्ड इट प्रॉपरली, दिस इज गुजरात गवर्नमेंट. सुनना हेमंत, स्क्रीन बंद करा दोन मिनट, लैपटॉप नको. ओके अब सुनो, आई नीड अ सेलर. नहीं आजा, रुक रुक रुक, ए लव करिए. अरे रुको रुको रुको, तू यहाँ खड़े हो जा, यहाँ महाराष्ट्र का सेलर है तू. हाँ तू उधर जा, तू उधर है. हाँ इधर. अब वेट, ये तेरा प्रोडक्ट. होल्ड दिस, यू होल्ड दिस. अब ध्यान से सुनना, नाउ डोंट टॉक, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. आर वी ऑल रेडी? इज एवरीबडी इन द स्क्रीन? एडजस्ट इफ यू आर नॉट कमिंग इन द स्क्रीन. हाँ जस्ट थोड़ा सा पीछे चले जा. हाँ एंड देन यू कम क्लोजर हियर. हाँ सो नाउ प्लीज पे अटेंशन, everybody on the screen, now pay attention very carefully, listen. ab dhyan se sunna, paise wapas dena. acha paise wapas dena, government paise wapas dena. government. ha acha suno, now listen, don't talk, now listen. see I'll tell you one thing, now dhyan se sunna. I want to buy this raw material or I want to buy this product from him, ठीक है? वो क्या बेच रहा है मैं नहीं बोलूंगी अभी. Now listen, he is selling this. Pay it. No. Enough. Now pay attention. Let's get the concept. Let's get this concept and in 2 minutes you'll understand. बिकॉज जी एस टी में इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज देर मेनी कैरेक्टर्स, देर मेनी कैरेक्टर्स. ओके नाउ सी वॉट हैपन्स. आई वॉन्ट टू बाय रॉ मटीरियल फ्रॉम हिम. ही सेज दिस इज फॉर 110. तुमको पता है दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स. ही इज अ शॉपकीपर. शॉपकीपर को गवर्नमेंट ने बोल दिया कि तू ये प्रोडक्ट बेच रहा है, तेरा प्रोडक्ट का प्राइस 100 है, हमारे बिहाफ पे 10 रुपीज टैक्स भी ले लो. है ना? तो उसको बोल मेरा 10 रुपये टैक्स. ऑल राइट, पे अटेंशन. तो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या? हाँ बोल दे अभी तू. 10 रुपए टैक्स लेना. हाँ ए चुप बैठ तू. तू कैरेक्टर से बाहर, जितना स्क्रिप्ट में उतना ही बोलने का, नहीं तो बाहर चले जाने का. हाँ हाँ ओके ओके, क्वाइट क्वाइट.
So government ne bol diya, listen to this very carefully. 2 minutes you will take and it will go straight into your mind. Understand? बोल उसको गवर्नमेंट ने बोल दिया कितना टैक्स लेने का है 10 rupees टैक्स लेना हाँ ओके नाउ गवर्नमेंट हैज सेड दैट यू हैव टू कलेक्ट हाउ मच टैक्स 10 rupees टैक्स नाउ लिसन एम आई यू जस्ट स्टैंड अ लिटिल बिहाइंड एम आई पेइंग दिस टैक्स डायरेक्टली टू हर नो जेब से मेरी जा रहा है दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअली गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू कलेक्ट इट फ्रॉम मी ओनली कस्टमर से मैं कस्टमर है बट गवर्नमेंट सेज मैं इतने कस्टमर को कहाँ देखूँ इट्स इजियर टू कैच होल्ड ऑफ दिस शॉपकीपर तो गवर्नमेंट ने सेलर को क्या बोला तू तेरा प्रोडक्ट बेच रहा है तेरे प्रोडक्ट के बेचने के साथ ये 10 rupees का टैक्स भी ले ले सो आई एम गोइंग टू बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम हिम आई एम गोइंग टू गिव हिम 110 100 ही विल कीप विथ हिमसेल्फ 10 डोंट पुट इट इन योर पॉकेट 100 ही विल कीप विथ हिमसेल्फ 100 वो अपनी जेब में रख देगा 10 rupees वो गवर्नमेंट को देगा सो गिव 10 टू द गवर्नमेंट राइट नाउ पे अटेंशन लिसन नाउ आई लगा क्या काय पढ़ लो वन सेकंड हाँ अच्छा वो तू यहाँ आ गई महाराष्ट्र इधर आ गए तो बच गई वो लगा क्या हाँ पानी दे उसको पानी दे ये ले पानी पी ये ले नहीं नहीं डोंट वरी कुछ नहीं होने वाला बैठ जाओ आप सुन के लो पानी दे उसको दे अमर का है ओके लगी हाँ यो फाइन तेरे तो लगा ही नहीं चुपट आप सुनो आप सुन के लेना लिसन अब आगे सुनना हाँ अच्छा एक सेकंड फर्स्ट बेंच वाले बच्चे शिफ्ट हो जाए नो अरे गेट अप फास्ट नहीं नहीं बट वी डोंट ओके अब सुनो प्रॉब्लम क्या है अब सुन के लेना फर्स्ट बेंच वाले बच्चे गेट अप फर्स्ट डोंट मेरा लेक्चर कंटिन्यू हो जाए लीव गो एंड सिट समवेयर एल्स वो पानी की बॉटल दे दे बेटा आई ऑल शिफ्टिंग Sit here on your own risk. हमने आपको बोल दिया यहाँ से उठने के लिए आप उठ नहीं रहे हो अरे get up ना No, I got it. You get up, I'm saying. चलो अभी डन अब सुनो दे फिर से स्टार्ट करते What are they singing? चलो अब सुन के लो pay attention. Did you understand this transaction? I bought how much from him? I bought this raw material. I bought this product from him. Pay attention. बेटा सुन के ले I bought this product from him. I paid him 110. 100 he will keep. 10 he will give it to government. Now listen. When I sell this again in Maharashtra, बहुत ध्यान से सुनना बात मत करना उसने मुझसे महाराष्ट्र का वैट लिया क्या लिया महाराष्ट्र आई एम नॉट राइटिंग ओके उसने मुझसे क्या लिया महाराष्ट्र का वैट लिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट का वैट टैक्स अलग होता है गुजरात का राजस्थान का अलग होता है बिकॉज दिस इज लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इट इज लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अब उसने क्या किया ये 10 rupees लिया अब मैं आगे ये प्रोडक्ट फिर से बेचूंगी 100 के जगह मैं अभी 190 में सेल करूंगी इतने कितने में सेल करूंगी 190 मैं सामने वाले से कितना लूंगी 19 गवर्नमेंट वही है इसको फिर से मैं 19 नहीं दूंगी इसको बोलूंगी तेरे पास ये 10 rupees पहुंच गया है ऑलरेडी पहुंच गया कि नहीं हाँ अब प्रॉब्लम किधर है सुन के लेना व्हाट इफ आई बाय समथिंग फॉर 550 rupees बहुत ध्यान से सुनना मैं रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ गुजरात से ये सेलर कहाँ है गुजरात सेलर कहाँ है गुजरात
सो आई एम गोइंग टू बाय दिस रॉ मटेरियल. यहाँ का रॉ मटेरियल कुछ अलग है, मैं 550 रुपीज में खरीद रही हूँ. कितने में खरीद रही हूँ? 550. मैं उसको कितना दूंगी? 550. 500 ही विल कीप, 50 रुपीज ही विल गिव इट टू द गवर्नमेंट. अब ये किस कौन सी गवर्नमेंट के पास गया? गुजरात. आई हैव लिव इट. तुमको पता है आई एम इन महाराष्ट्र. बहुत यहाँ पे 2 मिनट्स. आई एम इन महाराष्ट्र. आई एम बाइंग गुड्स फ्रॉम गुजरात. इज दिस इंटर स्टेट सेल? यहाँ पे CST लगता है. क्या लगेगा? CST. CST कौन से स्टेट में रह जाता है? सेलिंग स्टेट. सेलर कहाँ था? गुजरात. तो पैसे कहाँ गए? गुजरात के पास. अब देखो, मैं तो महाराष्ट्र की हूँ, मैंने इससे प्रोडक्ट खरीदा. अब मैं ये प्रोडक्ट बेच रही हूँ 1000 रुपीज में. कितने रुपीज में बेच रही हूँ? 1000 में. 1000 के ऊपर टैक्स कितना आएगा? 100. मैं गुड्स कहाँ बेच रही हूँ? महाराष्ट्र. ये मुझसे बोलेगी 100 रुपीज दो. तो मैं बोलेगी 100 क्यों दो? 100 में से 50 रुपये मैंने खरीदने के टाइम दिया ना. बोलते मैं महाराष्ट्र है, 50 रुपये तो गुजरात के पास गया, मेरे पास नहीं आया. वॉट एवर आई बाय फ्रॉम महाराष्ट्र, आई बॉट फ्रॉम सी दो सेलर है. मैं ना दो चीज़ें खरीद रही हूँ, दो प्रोडक्ट्स खरीद रही हूँ. एक दो मिनट में सुन के लो, मैं किससे खरीद रही हूँ? एक महाराष्ट्र से. दूसरा किससे खरीद रही हूँ? गुजरात से. जो महाराष्ट्र में मैंने खरीदा, महाराष्ट्र का जो मैंने खरीदा, कितना खरीदा मैंने? 110. महाराष्ट्र में भी मैंने टैक्स दिया, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट कहाँ से खरीदा? महाराष्ट्र. सेलर को दिया, सेलर ने 10 किसको दे दिया? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे इस 10 का सेट ऑफ दे दिया. लेकिन जब मैं गुड्स राजस्थान या गुजरात से खरीद रही हूँ, नाउ आई एम बाइंग फ्रॉम वेयर? आई एम बाइंग फ्रॉम वेयर? आई एम बाइंग फ्रॉम गुजरात. मैं महाराष्ट्र की हूँ, मेरे दो प्रोडक्ट्स है, दो रॉ मटेरियल लग रहे हैं. एक महाराष्ट्र में अवेलेबल है और दूसरा सिर्फ गुजरात में अवेलेबल है. तो मैं ये खास खरीदने कहाँ जा रही हूँ? गुजरात. अब प्रॉब्लम देखो क्या है, जब मैं गुजरात में खरीद रही हूँ तो मैं गुजरात के सेलर को पैसे दे रही हूँ. गुजरात का सेलर पैसे अपनी स्टेट को देगा. मैं वापस महाराष्ट्र आ गई, मैं गुड सेल करूंगी महाराष्ट्र में. अब मैं महाराष्ट्र में बेचूंगी तो हमेशा याद रखना, गवर्नमेंट हमेशा सेलर पे फोकस करती है. किस पे फोकस करती है? सेलर. ए सेलर, तूने सेल किया ना, चल चल हमको टैक्स दे दे. सेलर पे फोकस करते हैं गवर्नमेंट. किस पे फोकस करती है? सेलर पे. जैसे इनकम टैक्स में किस पे फोकस होता है? इनकम पे. यहाँ पे फोकस हो रहा है सेल्स पे. सेलर पे फोकस होता है हमेशा. सेलर तो मैं सेलर हूँ, मैंने ये प्रोडक्ट लिया, यहाँ से लिया, मैंने इसका कुछ बना के मैं इसको 1000 में बेच रही हूँ. तुरंत महाराष्ट्र गवर्नमेंट मेरे पास आएगा, तुम्हारा सेल्स कितना है? 1000. वो मेरा PNL देखेगा, कितना सेल्स है? 1000. चलो 1000 पे 10% मतलब 100 रुपया टैक्स दो. मैं बोलती हूँ 100 क्यों दूँ? मैंने रॉ मटेरियल खरीदते वक्त ऑलरेडी टैक्स दिया है. तो ये बोलते हाँ, तुम्हारे पास कितना टैक्स का पैसा है? 10. तो ये मुझे सिर्फ कितना सेट ऑफ देगी? 10 का. और जो 50 का सेट ऑफ मैं मान के चल रही हूँ मुझे मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पैसे कहाँ गए? गुजरात के पास. फिर क्या ही फायदा हुआ मेरे लिए? तो ये इंडिया ही है ना. मैं खरीदू महाराष्ट्र में या मैं खरीदू गुजरात से, यार मैंने तो टैक्स दिया ना. तुम क्यों सेट ऑफ नहीं दे रहे हो? सेट ऑफ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये पैसा गुजरात गवर्नमेंट ने लिया, और जो मैंने रॉ मटेरियल इससे खरीदा था ना, ये सेलर से, इसके 10 रुपए कहाँ गए? महाराष्ट्र के पास. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेज आई कैन गिव यू सेट ऑफ ओनली ऑफ 10 रुपीज. ये 50 रुपीज मुझे सेट ऑफ में नहीं मिलेंगे. एंड दैट इज व्हाट GST कम्स विद एड सेइंग, दैट वन नेशन वन टैक्स. नाउ GST सेज इवन इफ यू बाय फ्रॉम गुजरात, दैट 50 रुपीज सेट ऑफ वी विल गिव यू. पता है तुमको, जब मुझे सेट ऑफ नहीं मिलेगा, जब मुझे सेट ऑफ, गिव मी द 100, जब मुझे सेट ऑफ नहीं मिलेगा, मैं जब वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट नहीं था, मैं रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना ले रही थी? 110. जब आप सेट ऑफ दे रहे तो मैं 100 अलग और 10 अलग. तुम जस्ट इमेजिन करो कहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है. जब मुझे वैल्यू एडिशन सेट ऑफ नहीं मिल रहा था ना, मैं 200 में बेच रही थी, और जब मुझे सेट ऑफ मिल रहा था वो सेटिंग फॉर 190. सेलिंग प्राइस बढ़ रही है क्यों? अरे मुझे क्या लेना देना है, कस्टमर को ही तो पैसे देना है. तुम सेट ऑफ देते क्या? नहीं देते. चलो आई एड इट इन द कॉस्ट, उतना फिर आई एड ओवरहेड्स, मेरी सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी. मुझे क्या ही फर्क पड़ता है? समझा क्या तुमको? फिर से एक बार लास्ट. ओके, ये रॉ मटेरियल मैं किससे खरीद रही हूँ? महाराष्ट्र से. सेलर किधर है? महाराष्ट्र. मैं बायर कहाँ की हूँ? आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र ओनली. आई बाय दिस रॉ मटेरियल,
मैंने खरीद लिया, आई गिव हिम 110, ही विल कीप 100 विद हिमसेल्फ, ही विल गिव 10 टू महाराष्ट्र. इफ आई डोंट नीड दिस, मुझे गुजरात जाने की जरूरत ही नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं है. मैंने यहीं पे ये गुड्स बेचे 200 में, मैंने 100 में खरीदा, मैं कितने में बेच रही हूँ, 200. जब मैं 200 में बेचूंगी तो मेरा 200 पे गवर्नमेंट हमेशा किस पे फोकस करेगी, सेलर. महाराष्ट्र गवर्नमेंट सिर्फ सेलर पे फोकस करेगा. सेलर तुमने कितने में बेचा, 200 पे टैक्स कितना, 20% के हिसाब से. सो आई से शुड आई गिव यू 20, शी सेज नो नो आई हैव ऑलरेडी गॉट योर 10. ये जो रॉ मटेरियल मैंने खरीदा, देखो मैं कभी भी टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देती हूँ. बायर गिव्स टू सेलर, सेलर गिव्स टू गवर्नमेंट. फिर से बोलो, बायर गिव्स टू सेलर, सेलर गिव्स टू गवर्नमेंट. दैट इज दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स. ये आपको इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट विद दिस पीपल स्टैंडिंग देन इट बिकम्स इजी टू इमेजिन. तो ये 10 रुपीज महाराष्ट्र के पास पहुंच गया, ये एग्जाम्पल वन खत्म. इधर मुझे दर्द नहीं हुआ. अब नेक्स्ट पर्सन कम्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल. नाउ मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है जिसका एक रॉ मटेरियल महाराष्ट्र से है, एक रॉ मटेरियल कहाँ है, महाराष्ट्र में, और एक रॉ मटेरियल कहाँ है, गुजरात में. एक रॉ मटेरियल कहाँ है, गुजरात में. अब देखो मुझे रॉ मटेरियल लेना है महाराष्ट्र से, आई गिव दिम दिस 110, आई बाय द रॉ मटेरियल. बायर टू सेलर, सेलर टू गवर्नमेंट. तो 10 रुपया गवर्नमेंट को दे. सो 10 रुपया गवर्नमेंट के पास चला गया. यस. अब मैं दूसरा रॉ मटेरियल ढूंढ रही हूँ, महाराष्ट्र में मिल ही नहीं रहा है, अवेलेबल नहीं है, या मुझे गुजरात में कम प्राइस के लिए मिल रहा है. सो आई डिसाइड टू बाई इट फ्रॉम गुजरात. तो मैंने गुजरात से खरीदा, गुजरात के सेलर को बोला ये लो. गुजरात के सेलर से जब खरीदूंगी तो CST लगेगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स. CST, ये देखो मैंने अभी पढ़ा है आपको, आपके पास लिखा हुआ है CST इंटरस्टेट. CST में क्या होता है, CST में क्या होता है, इट इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बट सेलर वाले स्टेट को पैसे चले जाते हैं. तो मैंने ये रॉ मटेरियल लिया, 550 रुपीज दिया, उसने 50 रुपीज किसको दिया, गवर्नमेंट को. ये कौन सी गवर्नमेंट को मिल गया, गुजरात. मैं महाराष्ट्र में वापस आ गई, मैंने महाराष्ट्र में ये प्रोडक्ट बनाया. अब मुझे ये 1000 रुपीज में सेल करना है. कितने में सेल करना है, 1000. अब मैं 1000 में सेल करूंगी तो ये आ जाएगी. सेलर पे फोकस करते, गवर्नमेंट किस पे फोकस करती है, सेलर पे. ए सेलर तेरा सेल कितना हो, चल चल हमारा टैक्स दे दे. तो सेलर, तुमको पता है क्या, गवर्नमेंट सेलर पे फोकस करता है, मैं मेरे बाइंग पे फोकस करूंगी. यार खरीदते वक्त दे तो दिया ना तुमको टैक्स, कितना टैक्स दूं. मैंने बोला यार हाँ ठीक है ना, 1000 में बेच रही हूँ, तुम 100 रुपया ले रहे हो, 100 क्यों दूं मैं तुमको, 10 तो दे दिया ना. एक रॉ मटेरियल लिया उस पर 10 दिया, दूसरे रॉ मटेरियल पे 50 दिया, चलो चलो सेट ऑफ दो. बोलते सॉरी नहीं मिलेगा. ये बोलते मैं 10 का ही सेट ऑफ दे सकती हूँ. मैं बोलती हूँ अरे यार वो गुजरात को दिया ना 50, वो अलग है, ये अलग है, गुजरात काई को एडजस्ट करेगा. तो इसमें मेरे को नुकसान हो गया, 50 रुपीज का मुझे जब सेट ऑफ नहीं मिलेगा, ये 550 जब मैं अलग अलग अकाउंटिंग नहीं करूंगी, मेरी कॉस्ट में ही 550 ऐड करूंगी, तो मेरी कॉस्ट 50 रुपए से बढ़ गई, क्योंकि मुझे सेट ऑफ नहीं मिलेगा. दिस वॉज द ड्रॉबैक ऑफ ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब तो और मजा, इधर और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बुला सकते हैं अपन. आई मे बाय वन गुड्स फ्रॉम राजस्थान, उसका टैक्स राजस्थान में चला जाएगा. मैंने सर्विसेज ली टेक्नीशियन की, सर्विस टैक्स इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सर्विस टैक्स पे मैंने 10 रुपया टैक्स दिया, वो किसके पास चला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट. मैं बेचारी यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टैक्स देते जा रही हूँ, देते जा रही हूँ, मुझे सेट ऑफ ही नहीं मिल रहा है. एक टैक्स गुजरात के पास गया, एक टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया. व्हाट इज दिस, दिस इज वन नेशन और व्हाट, आई एम बाइंग फ्रॉम इंडिया एंड यू आर नॉट गिविंग मी सेट ऑफ. समझ में आ रहा है. मैंने इतना ही नहीं, मैंने गुड्स इंडिया के बाहर से भी खरीदा है, रॉ मटेरियल बाहर से खरीदोगे तो मुझे इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा. इंपोर्ट ड्यूटी गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट. मैं फिर से महाराष्ट्र को आके मैं महाराष्ट्र में बेच रही हूँ गुड्स, तो ये मेरे सेलिंग पे फोकस करती है. मैं बोलती हूँ अरे मैंने खरीदा है ना, तो बोलते नहीं मुझसे तो सिर्फ इतना ही रॉ मटेरियल खरीदा, मेरे पास तो 10 रुपया आया है. बोलते बाकी तुमने गुजरात से खरीदा, बाकी तुमने इंडिया के बाहर से खरीदा, तो तुमने इंपोर्ट ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया. मुझे थोड़ी मिला, मैं कहाँ से सेट ऑफ दूंगी, 10 मुझे मिला तो मैं सेट ऑफ दे सकती हूँ. समझा कि नहीं. This was the problem of old indirect taxes, that free flow of credit was not available. एक दूसरे स्टेट से लिया तो उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा, सर्विस टैक्स का सेट ऑफ नहीं मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने नखरे, इस गवर्नमेंट के अपने नखरे, इसके अपने नखरे, बीच में बेचारा टैक्स पेयर. समझा क्या अभी सबको, इज इट क्लियर विद दिस एग्जाम्पल. यस. चलो थैंक यू सो मच. पैसे वापस देने पड़ेंगे, टैक्स नहीं मिला. No tax. Break, break. Yes, I'll give you. First, ये जिनके पैसे पहले on record में पैसे वापस दे देती हूँ. किसके पैसे वो ले लो बाबा.
बाद में मुझे नहीं बोलना, हाँ ये तेरे 550, ये भी तेरा ही है, ये भी तुम्हारा है, थैंक यू। चलो यू वांट अ 5 मिनट्स ब्रेक, लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक, ओके, यस, हाँ 5 मिनट्स, नो नो नो, ए कल से डॉट 8 o'clock, हाँ हाँ, फिलहाल 8 को चालू करेंगे, एक दो दिन में फिर 7:45 कर देंगे, एवन ब्रेक लवाना, ब्रेक ए जाओ तुम लोग ब्रेकफास्ट खा के आ जाओ, जरा कुछ खा के आ जाओ, ए नो गो एंड ईट समथिंग एंड कम 11:15 को हर्षद सर की क्लास होगी।
we'll start. Come on, get in fast. Start kar, me coffee's gain nantar. Chalo. Thank you. Ek de patkan de. Open karun de na, patkan. Hemant ni start kela ka? Start kela? Live hai me? काय झालं? अरे घे, मी एकच खाणार आहे. ए दे ना त्याला, दे उसको, दे रे बिस्किट. नाही नाही, स्टार्ट कर, मी करते स्टार्ट. बस आहे, बस. चलो बिल स्टार्ट किया. अरे कुछ नहीं गिरने वाला, बैठ जा तू. हेमंत तुम्ही ब्रेक लावलाय, ब्रेक आहे. हां, थँक यू. करे क्या स्टार्ट? आज क्या ब्रेकफास्ट खा के आए तुम लोग? खा के आया करो या कैरी करो, बॉक्स में कैरी करो. खाली पेट कैसे समझेगा, भूख लगती है ना, फिर जल्दी उठने के बाद जल्द भूख लगती है. पोहा खाया. हेमंत करता स्टार्ट. चलो वील स्टार्ट. लाइव है का हेमंत में? चलो क्लैप योर हैंड्स एंड गेट चार्ज एवरीबडी. कम ऑन कम ऑन, क्लैप योर हैंड्स एंड गेट चार्ज एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी. आर वी रेडी एवरीबडी? लेट्स स्टार्ट. कम ऑन लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर बैक. चलो आप लिख के लेते, एग्जाम्पल लिखो. प्रॉब्लम इन ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स लिखो. ए, आपको इमेजिन हुआ ना अच्छे से गुजरात, और ये अच्छे से समझ में आ गया ना आपको? चलो लिखो, प्रॉब्लम इन ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स. चलो लिखो. प्रॉब्लम इन ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स लिखा सबने? अरे प्रॉब्लम होगा इसीलिए तो नया हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कि नहीं? यस. सो राइट डाउन प्रॉब्लम इन ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स. रेडी है क्या तुम? एंड डोंट वरी, जस्ट द फर्स्ट डे. I will also see to it that I move around there. Yes, I will come that side also. Yes, so it's just the first day. Aapke liye bhi, mere liye bhi, it's a new classroom na. So fir kal se all of us will be getting back to normal and comfortable. Don't worry about it. Okay? Ha. Mere liye bhi naya classroom hai, hai na? Now let's understand. Problem in old indirect tax. Write down. Mr. A. ए नको आपण, हा मिस्टर राधे लिखो. राधे राधे, क्यों राजेश कौन है? नो नो नो, आई राधे राधे. चलो मिस्टर राधे लिखो, ब्रैकेट में लिखो महाराष्ट्र. ए चला लवकर करा.
या जीएसटी इज गुड फॉर इंडिया ऑफ कोर्स. लिखो गाइस वन सेकेंड. कैन आई हैव कंप्लीट साइलेंस इन द क्लास. कैन आई हैव कंप्लीट साइलेंस. लर्न टू स्विच इन स्विच आउट. बैठ जाओ. एक तो बहुत दिनों के बाद क्लास में आए, दंगा मत कर तू. चल जल्दी लिखो. रॉ मटेरियल ए फ्रॉम महाराष्ट्र. रॉ मटेरियल ए फ्रॉम महाराष्ट्र 100 और उसके ऊपर वैट 10. फर्स्ट. सेकंड. आई बॉट रॉ मटेरियल बी फ्रॉम गुजरात फॉर 500 और उसके ऊपर सीएसटी पे करेंगे. क्यों सीएसटी पे करेंगे? क्योंकि आप देखो कि मैं राधे जो है वो कहाँ का है? महाराष्ट्र का है. ध्यान से पढ़ो. चलो जल्दी करो. ओए कौवा चुप बैठो. रॉ मटेरियल ए. यस अंकित. राधे राधे बेटा. कम ऑन लेट्स स्टार्ट नाउ. रॉ मटेरियल ए फ्रॉम महाराष्ट्र 100 रुपीज. मैंने कितना उसके ऊपर वैट दिया? 10. और मैंने रॉ मटेरियल बी कहाँ से खरीदा? गुजरात. और यह 500 का उसके ऊपर मैंने सीएसटी. एक्चुअली सीएसटी का रेट अलग था. सी नन ऑफ द टैक्स रेट्स. ये सत्य घटना पे आधारित नहीं है टैक्स रेट्स. ये सिर्फ 10% आपको कन्वीनियंस के लिए मैंने लिया है. मैम ने हमको पढ़ाया सीएसटी का रेट 10% है तो काट डालूंगी. समझा ना? 10% नहीं है ये. मैं अज्यूम करने के लिए बोल रही हूँ. ठीक है. अब सुनना. इसके बाद थर्ड. आई बॉट रॉ मटेरियल सी फ्रॉम चाइना. नो को चाइना नो को. रॉ मटेरियल सी फ्रॉम सिंगापुर 100. कस्टम्स ड्यूटी 10. लिखा सबने? रॉ मटेरियल फ्रॉम महाराष्ट्र, रॉ मटेरियल बी फ्रॉम गुजरात, रॉ मटेरियल सी फ्रॉम सिंगापुर. नोटेड बेटा एवरीबडी? नोट कर लिया बेटा सबने? हाँ. अब देखो. दिस पर्सन manufactured and he sold goods for 1000 rupees, therefore VAT on sales 100. Note it down. Therefore VAT on sales kitna aega? 100. Chalo note it down fast. Ab is vyakti ka government ko ye kitna tax dena hai abhi ye decide karna hai hamein. तुम एक चीज बोलो, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करने किसके पास जाती है? सेलर. गवर्नमेंट टैक्स लेने किसके पास जाती है? सेलर. सेलर के पास जाती है. गवर्नमेंट फोकसेस ऑन सेल्स, अ टैक्स पेयर फोकसेस ऑन. नो क्वाइट. गवर्नमेंट फोकसेस क्वाइट इन द क्लास. गवर्नमेंट डोंट डू दैट. इज नॉट. This is the first day of the class. Just I don't want this. ये सब confiscate किया जाएगा. Don't do this. Government wants. Government focuses on sales. Taxpayer focuses on purchase. Because taxpayer बोलता है purchase के time मैंने already tax दे दिया है. Taxpayer क्या बोलता है? Purchase के time मैंने already tax दे दिया है. अब तुम ध्यान से देखो. तुम government के viewpoint से सोचो. इसका sales कितना है? 1000. तो output tax कितना हुआ? 100. आउटपुट टैक्स कितना हुआ? 100. ध्यान दो, सेल्स कितना है? 1000. तो मेरा आउटपुट टैक्स कितना हुआ? 100. माय आउटपुट टैक्स इज 100. करेक्ट है. अब गवर्नमेंट किस पे फोकस करती है? सेल्स के ऊपर. तो गवर्नमेंट बोलेगी व्हाट इज योर टैक्स लायबिलिटी. अब ध्यान से सुन के लेना. गवर्नमेंट बोलेगी आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या है? आउटपुट टैक्स. आपका आउटपुट टैक्स कितना है? 100. और गवर्नमेंट गिव्स यू इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट टैक्स. अब आपको इनपुट टैक्स कितना मिलेगा? अभी जो एग्जांपल दिया उसके हिसाब से आपने आंसर देना चाहिए. कितना मिलेगा? 10. पक्का? क्यों? क्योंकि मैं राधे कहाँ का है? महाराष्ट्र का. तो महाराष्ट्र के पास कितना रुपीस गया? 10.
बाकी का रॉ मटेरियल मैंने गुजरात से लिया, उसके पैसे गुजरात के पास गए। बाकी का रॉ मटेरियल मैं इंडिया से बाहर से लिया तो उसका कस्टम्स ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया। यार तो मुझे जो सेट ऑफ मिलेगा वो 10 का ही मिलेगा। इसलिए माई टैक्स पेएबल टू द गवर्नमेंट टैक्स लायबिलिटी इज 90। अगर मुझे फुल फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट मिलता ना तो शायद ये मेरा 1000 सेल्स भी नहीं होता, मेरा सेलिंग प्राइस और भी कम होता, समझा क्या? अगर मुझे आप ये 50 का सेट ऑफ देते, ये 10 का भी सेट ऑफ देते तो मैं उसका अकाउंटिंग 100 का अलग 10 का अलग कैसे करती, कॉस्ट में ऐड नहीं करती, तो मेरा सेलिंग प्राइस शायद 1000 नहीं होता, वुड हैव बीन लेसर। एंड दिस वॉज द प्रॉब्लम। एंड टेल मी इज़न्ट इट रॉन्ग व्हेन आई बाय फ्रॉम महाराष्ट्र आई एम गेटिंग सेट ऑफ, बट आई एम बाइंग फ्रॉम गुजरात यू आर नॉट गिविंग मी सेट ऑफ, आई एम बाइंग फ्रॉम एनी वेयर ऑफ दिस कंट्री एंड यू डोंट गिव मी सेट ऑफ, इज दिस राइट और रॉन्ग? इट्स रॉन्ग। And that is why GST has been advertised as one nation, one tax. सबसे important change GST में जो हुआ, बहुत ही important हुआ, अब ये आपको problem समझ में आ गया? Yes, so write down, did you write tax liability is 90? Yes, so write down, tax liability लिखो. How do we always calculate tax liability? Output tax minus input tax. चलो note it down. How do we calculate tax liability? Output minus input tax. How do we always calculate tax liability? Output minus input tax. Correct है? पक्का समझा ना? ये मैं example के बगैर तुमको ये समझाती तो आपको ध्यान में नहीं आता। आपके यहाँ पे दो लोग, क्योंकि GST में ना problem क्या है आप imagine नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ अलग अलग व्यक्ति होते हैं। और हमेशा ये याद रखो, सेलर भी कभी बायर था, देन इट इज इजी फॉर अस। ठीक है, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी आ गया 90। हाँ लिखो, क्या बोलता है वो, क्या बोला? चुप बैठ, लिख। चल, सेट ऑफ ऑफ वैट, सेट ऑफ ऑफ सीएसटी इज नॉट अवेलेबल, सेट ऑफ ऑफ सी एस टी इज नॉट अवेलेबल। लिखो, किसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा? सेट ऑफ सी एस टी इज नॉट अवेलेबल, ऑल्सो सेट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी इज नॉट अवेलेबल। सेट ऑफ जीएसटी इज नॉट अवेलेबल एंड सेट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। तो कस्टम्स ड्यूटी का भी सेट ऑफ नहीं दे रहे तुम मुझे, सीएसटी का भी सेट ऑफ नहीं दे रहे। मान के चलो यहाँ सर्विस टैक्स भी होता ना, उसका भी सेट ऑफ नहीं मिलता, क्योंकि सर्विस टैक्स भी किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट किसी के साथ शेयर नहीं करती, इट वॉज ऑलवेज विथ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर यहाँ बाय चांस सर्विस टैक्स भी होता ना, हमें उसका भी सेट ऑफ नहीं मिलता। समझ में आ गया क्या? दैट इज वाई इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस वॉट, इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस जीएसटी। It was necessary to introduce GST. Inflation, cascading effect, tax on tax. ये हमारे कुछ problems थे जिसका हमने solution GST में निकाला है। समझ में आ रहा है क्या आपको? पक्का समझ में आ रहा है? Yes, indirect tax is a chain. ये याद रखना, मुझे shoes खरीदने होंगे तो मैं factory में नहीं जाती हूँ। Shoes undergo a lot of, a complete cycle होता है, एक चेन होता है। तो मैन्युफैक्चरर पहले एक्साइज पे करेगा, फिर सेल्स टैक्स पे करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर सेल करेगा तो वो सेल्स टैक्स देगा, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर। दिस वे द चेन कंटिन्यूज एंड दैट इज वाई टैक्स ऑन टैक्स फिर लगता ही जाएगा आप सेट ऑफ नहीं दोगे तो। अब फ्री फ्लो है, आप गुजरात से भी खरीदो आपको जीएसटी का सेट ऑफ मिलेगा, आप कहीं से भी खरीदो आपको जीएसटी का सेट ऑफ मिलेगा। इस तरीके से वहां पे प्लानिंग किया है कि यू विल गेट सेट ऑफ ऑफ ऑल द टैक्सेस। कहीं से भी इंडिया से खरीदो आपको सेट ऑफ मिल जाएगा। क्लियर है क्या सबको? यस। सो इन ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखो, इन ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस सेट ऑफ ऑल टैक्सेस In old indirect taxes, set off of all taxes was not available. Correct? Set off of all taxes was not available. Correct है? सारे taxes का set off available नहीं था, बराबर है? कौन से taxes का set off? अगर मेरा output क्या है,
आउटपुट टैक्स वॉज वैट, मुझे क्या पे करना है वैट, तो वैट के अगेंस्ट मुझे किसका सेट ऑफ मिलेगा, सिर्फ वैट का। क्या मुझे इसके अगेंस्ट सीएसटी दूसरे स्टेट वाले टैक्स का सेट ऑफ मिलेगा, नहीं। क्या मुझे इसके अगेंस्ट अगर मैंने कहीं एक्साइज ड्यूटी पे किया होगा उसका सेट ऑफ मिलेगा, नहीं। सर्विस टैक्स पे किया उसका सेट ऑफ मिलेगा, नहीं। कस्टम्स ड्यूटी पे किया तो उसका सेट ऑफ मिलेगा, नहीं। बोलने के लिए बोल दिया कि हाँ सेट ऑफ देंगे सेट ऑफ देंगे, कुछ सेट ऑफ नहीं दिया, आधे से ज्यादा टैक्सेस का सेट ऑफ नहीं मिल रहा है, फिर मेरा अकाउंटिंग 100 अलग और 10 अलग नहीं होगा। आप सेट ऑफ नहीं दोगे तो आई विल ऐड दैट 10 इन द कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो मेरा क्या जाता है, सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा। मुझे कहाँ देना है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग तो कस्टमर को देना है, कंज्यूमर को फर्क पड़ता है, इन्फ्लेशन हो जाता है, डबल टैक्सेशन हो रहा था, कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था, दिस वॉज द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आया क्या, दिस वॉज द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमने क्या लेवी किया, ये हो गया आपका। अच्छा, अगर मेरा आउटपुट, ये ओल्ड वाला आपको कोई पूछने नहीं वाला है, ये जो बेसिक है आज के, इसमें से कोई मार्क्स नहीं है, दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज दैट व्हाई वी हैड टू ब्रिंग इन जीएसटी। आदि गोनो आस्क यू क्वेश्चन ऑन व्हाट इज कस्टम्स ड्यूटी, व्हाट इज एक्साइज एंड व्हाट इज सर्विस टैक्स, नो वी हैव बेटर क्वेश्चंस टू आस्क, इज दैट क्लियर? यस, ओके, आगे। ओके, अब लिसन केयरफुली। अब हमने क्या किया, सेल्स, लिखो सेल्स पोस्ट 1st July 2017, सेल्स पोस्ट 1st July 2017, ओके लिख रहे क्या, चलो नोटबुक में लिखो, आज ही थोड़ा सा नोटबुक में लिखवाऊंगी, नहीं तो अभी ब्रेन मैपिंग से ही स्टार्ट कर दूंगी। ओके, हाँ, इसको नंबर किया तो भी चलेगा, ठीक है। यस, सेल्स पोस्ट 1st July 2017। अब देखना, इफ यू सेल विद इन द स्टेट, बेटा व्हेन यू सेल विद इन द स्टेट व्हाट विल दैट बी कॉल्ड, इंट्रा स्टेट। इसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अच्छा, पता है जीएसटी जब इंट्रोड्यूस होने का हुआ, हर स्टेट ने कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस किया, स्टेट ने कुछ टैक्सेस सैक्रिफाइस किए, सेंट्रल ने कुछ टैक्सेस सैक्रिफाइस किए, जीएसटी एडिशनल टैक्स नहीं आया है, ये बहुत टैक्सेस को मार के फिर आया है, बहुत टैक्सेस को मारने के बाद आया है, कुछ टैक्सेस अभी भी जिंदा है, कुछ टैक्सेस अभी भी जिंदा है, जैसे कस्टम्स ड्यूटी जिंदा है, जीएसटी के आने के बाद कस्टम्स ड्यूटी स्टिल वैलिड, कस्टम्स ड्यूटी स्टिल वैलिड। समझ में आ रहा है क्या, कस्टम्स ड्यूटी क्या है, इट इज स्टिल वैलिड, बट नो मोर सेल्स टैक्स, नो मोर सर्विस टैक्स। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की मीटिंग हुई और वहां डिसाइड हुआ कुछ टैक्सेस आपको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, कुछ टैक्सेस स्टेट को सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, कुछ सेंट्रल को करने पड़ेंगे। उन्होंने ये टैक्सेस सैक्रिफाइस किए और वो सैक्रिफाइस करने के बाद फिर उनको क्या मिला, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सो वी आर गोना लर्न अ लिस्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, अभी आपको जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है उसमें से चार ही कॉन्सेप्ट पे सवाल आते हैं और वो मैं आपको लिख के दूंगी कि आपको लर्न करना है फ्रॉम एग्जाम व्यू पॉइंट, राइट? नाउ लिसन, इंट्रा स्टेट सेलिंग पे, इंट्रास्टेट सेलिंग पे आपको लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब ये एसजीएसटी ऑफ दैट स्टेट, एसजीएसटी ऑफ दैट स्टेट। अब सेल आउटसाइड द स्टेट, दिस इज कॉल्ड एज इंटर स्टेट सेल। What is this called as interstate sale? Interstate sale. ये जो interstate sale है इसमें levy होगा IGST. इस पर क्या levy होगा? IGST. What tax will be levied here? IGST. बराबर है? अब इस पर जब IGST levy होगा, बहुत ध्यान से सुनना, किसी भी कंट्री में आईजीएसटी जैसा टैक्स नहीं है, जहाँ जहाँ जीएसटी है वहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी है, बट आईजीएसटी इज़ अ ब्रेन चाइल्ड और इट्स अ आइडिया ऑफ इंडिया, ये इंडिया ने लाया गया और इंडिया की आइडिया है, एंड बिलीव मी आईजीएसटी को लेके आने की वजह से
फ्री फ्लो ऑफ टैक्स बना है, इसीलिए आपको सबका सेट ऑफ मिल रहा है. दिस इज बिकॉज ऑफ IGST एंड वन मोर कॉन्सेप्ट, आई टेल यू राइट नाउ. अब बहुत ध्यान से सुनना, ये जो IGST होता है इसका शेयरिंग होता है. क्या होता है इसका शेयरिंग? 50% ऑफ द टैक्स गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 50% गोज टू स्टेट गवर्नमेंट. अब मुद्दा आता है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा क्या है. हाँ, अब ध्यान से सुनना, GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. सब रिपीट करेंगे, GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. कौन रिपीट नहीं कर रहा? एवरीबडी विल रिपीट, कम ऑन. GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. GST कैसा टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. सो जो GST है ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, बराबर है. अब जो GST जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब बाइंग स्टेट के पास इसका पैसा जाता है. और मुद्दा सही है, इससे फ्री फ्लो ऑफ टैक्स बनेगा. अब सुन के लेना, सुन के लेना, ये कौन सी स्टेट के पास जाएगा? बाइंग स्टेट, और जहां गुड्स का डेस्टिनेशन होगा. अब ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना. जिस स्टेट में गुड्स जाएंगे, सपोज आई वॉज इन महाराष्ट्र, ये गुड्स है, कहाँ है ये? महाराष्ट्र में. अब ये गुड्स कहाँ जा रहे हैं? गुजरात. आगे सेलिंग कहाँ से होगा? गुजरात से. तो गुजरात गवर्नमेंट को वो गुड्स भी दे दो, उसका टैक्स भी दे दो. अगर गुजरात को उसका टैक्स मिलेगा, तो जब गुजरात से आगे सेलिंग होगा, गुजरात गवर्नमेंट कैन गिव द सेट ऑफ. ये हमने ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस वर नॉट डेस्टिनेशन बेस्ड. ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस वर नॉट डेस्टिनेशन बेस्ड. ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स कहाँ जाता था? सेलिंग स्टेट के पास. अब न्यू टैक्सेशन जो है GST में, टैक्स कहाँ जाएगा? बाइंग स्टेट के साथ. तो हम बाइंग स्टेट को बोलेंगे ये ले गुड्स और ये ले गुड्स का टैक्स, ये ले गुड्स और ये ले गुड्स का टैक्स. तो गुड्स यहां से सेल होंगे तो इस टैक्स का सेट ऑफ देना, हमने टैक्स दे दिया तुमको. फिर से स्टार्ट करते हैं. ये गुड्स कहाँ है? महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में से सेलिंग कहाँ हो रहा है? गुजरात. कौन सा टैक्स लगेगा? IGST. आधा IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना है, आधा IGST स्टेट को जाना है. कितने स्टेट्स इन्वॉल्व है? दो, महाराष्ट्र गुजरात. कितने स्टेट्स इन्वॉल्व है? महाराष्ट्र एंड गुजरात. ये गुड्स कहाँ है? महाराष्ट्र. अब ये कहाँ जा रहे हैं? गुजरात. कहाँ पहुँच गए? गुजरात. आगे सेलिंग कहाँ से होगा? गुजरात से. तो गुजरात को हम बोलते हैं ये लो गुड्स, ये लो टैक्स. अब तुमको टैक्स दे दिया, अब गुड्स आगे गुजरात में ही सेल हुए तो उस टैक्स का सेट ऑफ दे देना, या बाहर भी सेल हुए तो गुजरात आपके पास पैसे आ गए उसका सेट ऑफ आप दे देना. ये अभी इतना अच्छे से नहीं समझा तो भी फैंटास्टिक, देयर इज अ फुल चैप्टर वेयर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. टुडेज इंट्रोडक्शन, इवन इफ यू अंडरस्टैंड वन सेंटेंस, GST इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मेरे लिए सुपर्ब एंड फैंटास्टिक. एक ही सेंटेंस आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड टूडे, वॉट इज दैट? GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. कमान कमान, फिर से, GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. म्हणजे काय? गुड्स आर बींग सोल्ड फ्रॉम महाराष्ट्र. कहाँ जा रही है गुड्स? आई एम सेलिंग इट, आई एम द सेलर. कहाँ जा रहे गुड्स? कौन सा टैक्स लगाएंगे? IGST. IGST कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट आधे पैसे खुद के पास रखेगा, आधे पैसे गुजरात को देगा. किसको देगा? गुजरात को देगा, बिकॉज GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. कमान कमान, GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. जहां गुड्स का डेस्टिनेशन होगा वही टैक्स का भी पैसा जाएगा. फिर से, महाराष्ट्र, आई सेल गुड्स विद इन महाराष्ट्र, CGST एंड SGST. आधा पैसा सेंट्रल को, आधा पैसा महाराष्ट्र को. गुड्स महाराष्ट्र में ही है, प्रॉब्लम नहीं है. अब गुड्स कहाँ से जा रहे हैं? महाराष्ट्र से गुजरात जा रहे हैं. अब कौन सा टैक्स लगेगा? IGST. आधा पैसा सेंट्रल के पास, आधा पैसा गुजरात के साथ. गुजरात को हम बोलेंगे ये ले गुड्स, ये ले टैक्स. गुजरात को क्या बोलेंगे? ये ले गुड्स, ये ले टैक्स. गुड्स का आगे जो भी हुआ ना, तू देख लेना, और उसका सेट ऑफ भी तू ही दे देना, क्योंकि गुड्स के साथ हमने टैक्स भी दे दिया. पहले के एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, याद आ रहा क्या? मैंने रॉ मटेरियल लिया था राजस्थान से, मैं महाराष्ट्र में थी. तुमको याद है क्या? इधर लोग आए थे, वो सब बच्चे आए थे, अभी स्टूडेंट्स आए थे. हाँ, गुजरात था, सॉरी गुजरात. तो मैंने मैंने गुड्स
कहाँ से लिया 550 रुपीज कहाँ दिए थे गुजरात और मैं गुड्स लेके कहाँ चली गई इसलिए प्रॉब्लम आया जीएसटी एग्जाम्पल समझेगा अभी जीएसटी क्या टैक्स है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है व्हाट इज जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स तो ये 50% कहाँ जाएगा बाइंग स्टेट इसका रीजन है जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब जहां गुड्स का डेस्टिनेशन वहां टैक्स जाएगा मैम इससे कैसे फायदा हुआ क्या होगा एक पूरा चैप्टर है इनपुट टैक्स क्रेडिट आज यू नो आई बिलोंग टू गजनी फैमिली मुझे पूरा याद नहीं आता है जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लिख के लो ऐसे मैंने बोला देखो वो भी याद नहीं है मतलब आई जेन्युइनली बिलोंग टू गजनी फैमिली जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लिखो चला चला लौकर करा लौकर लिया क्या जगह नहीं है लिखने के लिए मत लिख फिर चला लीला का जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बरोबर है का हो गया लिख के चलो वॉल्यूम वन ओपन करते अभी ओपन वॉल्यूम वन मुझे ब्रेन मैपिंग में देखने दो अभी लिखने आएगा क्या तुमको कुछ लिखने के लायक हो क्या अभी तुम नहीं चलो कम ऑन पेज नंबर क्या है अपना 2 कम ऑन पेज नंबर 2 रेडी है क्या सबके पास बुक्स है योर लाइव स्ट्रीमिंग यू ऑल हैव बुक्स लेट्स राइट डाउन डोंट टॉक चलो यूनियन लिस्ट में लिखो कौन सा टैक्स आएगा दिस इज प्री जीएसटी लिखो बिफोर 1 जुलाई 2017 लिखा पेज नंबर 2 ओनली वन डे आई टेल यू द पेज नंबर टुडे नॉट ब्रेन मैपिंग टुडे वॉल्यूम 1 ब्रेन मैपिंग कल से स्टार्ट करेंगे कल से ब्रेन मैपिंग फुल ब्रेन मैपिंग करेंगे मस्त करेंगे ओके यस यस ऑफ कोर्स आई एम द बॉस यूनियन लिस्ट रेडी यूनियन लिस्ट में लिखो कौन से टैक्सेस आते पहला लिखो इनकम टैक्स का आवाज देते हो कैसा इनकम टैक्स बोल दिया ना पेज नंबर 102 इनकम टैक्स रामबाण प्लीज राइट डाउन ओके लिखो पहला यूनियन लिस्ट में कौन सा टैक्स आएगा दैट इज शेकिंग ओके मतलब प्रोजेक्टर राज देखो एक बार इनकम टैक्स के बाद कस्टम्स ड्यूटी लिखो इनकम टैक्स कस्टम्स ड्यूटी लिखो एक्साइज ड्यूटी एक्सेप्ट एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इनकम टैक्स कस्टम्स ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बरोबर उसके बाद हेमंत इतले दोन हे होतात प्रोजेक्टर असे दोन इनकम टैक्स कस्टम्स ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी और क्या आएगा यहाँ पे सर्विस टैक्स डोंट टॉक दे विल डू इट बेटर डोंट टॉक सीएसटी लिखो सर्विस टैक्स लिखा अब स्टेट लिस्ट ठीक है स्टेट लिस्ट स्टेट लिस्ट पे लिखो वैट स्टैम्प ड्यूटी एक्साइज फॉर किसका एक्साइज कौन सा एक्साइज आएगा लिखो ओके एक्साइज फॉर Alcoholic liquor for human consumption.
4, entertainment tax. Purchase tax. Electricity tax. Electricity tax. Space नहीं है तो मत लिखना. Entertainment tax. Purchase tax. Electricity duty. Electricity duty. कल PDF शेयर करती हो, अभी रुक जाओ, तुम लिखो अभी पहले. परचेज और क्या लिखा, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लिखा, डन. नाउ कॉन्करेंट लिस्ट में लिखो नो टैक्स आइटम. कॉन्करेंट लिस्ट में लिखो नो टैक्स आइटम. इज देयर एनी टैक्स आइटम इन द कॉन्करेंट लिस्ट? नो, नो टैक्स आइटम. कम ऑन, आगे. डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन, ये जो पहला है दिस इज डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकेंड बॉक्स इज फॉर इनडायरेक्ट टैक्स. अब जो डायरेक्ट टैक्स है इट इज लेविड ऑन इनकम, एंड जो इनडायरेक्ट टैक्स है सर्कल, इट इज लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. जीएसटी का वैसे फुल फॉर्म इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. सर्विस नहीं बोलने का, इट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. जस्ट अ लिटिल इंट्रोडक्शन टुडे और कल का हाफ लेक्चर, अदरवाइज कल के सेकेंड लेक्चर से पूरा फुल फ्लेज एग्जाम ओरिएंटेड और पूरा लर्निंग वाला पार्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा. जस्ट बट फर्स्ट थोड़ा ये बेस देना जरूरी होता है. वंस दिस इज डन, फुल फ्लेज्ड आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ. पूरा एग्जाम ओरिएंटेड जो भी लगने वाला है वही पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी. अब पर्सन पेइंग द टैक्स डायरेक्टली बेस द टैक्स, यहाँ पे लिखो अल्टीमेट कंज्यूमर टैक्स देता है एंड इट इज शिफ्टेड. टैक्स इज शिफ्टेड. एक्चुअली गवर्नमेंट टैक्स किससे लेने जाती है? शॉपकीपर, सेलर से. लेकिन सेलर किससे लेता है? बायर से. क्या मैंने, पता है तुमको यहाँ पे जब वो दो लोग खड़े थे महाराष्ट्र और सेलर, क्या मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स दिया? नहीं, मैंने गुड्स खरीदते वक्त पैसे किसको दिए? सेलर. सो बायर टू सेलर, सेलर टू गवर्नमेंट. चलो चलो जल्दी बोलो, बायर टू सेलर, सेलर टू गवर्नमेंट. दिस इज हाउ द टैक्स फ्लोस. बरोबर है? दिस इज इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. एज इनकम इंक्रीजेस टैक्स इंक्रीजेस. यार बट वो बेचारा सेलर ऑलरेडी तुम्हारे लिए टैक्स भी ले रहा है. वो तुम्हारा देखे, अच्छा मुकेश अंबानी खरीदने आया है गुड्स या कोई और खरीदने आया है, वो बोलते हमको क्या ही फर्क पड़ता है, टैक्स रेट इज गोइंग टू बी सेम. दैट इज व्हाई वी से इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर. दैट इज व्हाई वी से इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर. अच्छा एक और टैक्स ऊपर यहाँ पे सिक्स में, यहाँ पे एक मिनट, सिक्स के बाद सेवन स्टेट में एक और टैक्स ऐड कर दो, लग्जरी टैक्स. लग्जरी टैक्स ऐड कर दिया, लग्जरी टैक्स. हाँ हाँ, लग्जरी टैक्स लिख दिया क्या सबने? आगे आगे यहां लिखो रिग्रेसिव इन नेचर. इनकम टैक्स में अवॉइडेंस एंड इवेजन ज्यादा होता है. मतलब इनकम टैक्स में लोग टैक्स की चोरी ज्यादा करते हैं, बट इनडायरेक्ट में थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, सेलर एंड बायर. सेलर बोलता है मेरा क्या फर्क जाता है? तुमने सेलर का देखा, ही सिंपली हैज टू कलेक्ट 110, ही विल पुट 100 इन हिज पॉकेट एंड गिव 10 टू द गवर्नमेंट. बोलता है मेरा क्या जाता है? तो ही सेज देयर आर टू पीपल इन्वॉल्व. यहाँ पे इवेजन करना थोड़ा मुश्किल होता है. सो इवेजन इज लेस. कंपेरेटिवली कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ कलेक्शन IDT में कम है. एक एक जस्ट इमेजिन, एक शॉपकीपर के पास हजारों कस्टमर्स आएंगे तो मुझे हजारों के पास जाना ही नहीं है. आई हैव टू जस्ट फोकस ऑन द शॉपकीपर. SPC के पास इतने स्टूडेंट्स हैं, गवर्नमेंट आपके पास नहीं आ रही है. GST SPC दे रहा है. सो हम आपसे कलेक्ट करेंगे और GST गवर्नमेंट को देंगे. तो गवर्नमेंट को एक SPC के थ्रू इतने सारे बच्चों का GST मिल गया. डू यू अंडरस्टैंड? सो कलेक्शन कॉस्ट इन IDT इज वेरी वेरी लेस एंड कलेक्शन कॉस्ट इन डायरेक्ट टैक्सेस इज वेरी वेरी हाई. अंडरस्टूड? यस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्दर एग्जांपल्स. चलो ये सेम एग्जांपल, कम ऑन दिस व्हाटएवर इज द पेज नंबर, चेक. या चेक द पेज नंबर.
यू फाइंड इट सुपर्ब, यू डोंट फाइंड इट फैंटास्टिक. ओके चलो कंप्लीट करेंगे ये एग्जाम्पल, तुमको पता है, लेट्स कंप्लीट इट. कम ऑन, रॉ मटेरियल 100, ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट कितनी 90, नो कॉन्सेप्ट ऑफ वैट, और बी साइड में लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ वैट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैट? वैल्यू एडिशन टैक्स. व्हाट इज वैट? वैल्यू एडिशन टैक्स. ठीक है, अब लिखो यहाँ पे रॉ मटेरियल 100, ओवरहेड प्लस प्रॉफिट कितनी, ओ माय गॉड, तो ये टोटल कितना हो गया 190. ए नो, कैंसल. मेरे क्लास में, अरे इनफ स्पेस, यू कैन जस्ट कट इट एंड राइट अगेन, कट इट एंड राइट अगेन. 10 बार कट करके लिखने को लगाऊंगी, मेरी क्लास में मच मच नहीं करने का. 100 वैट लिखो, 10 वैट, 10, सो रॉ मटेरियल कॉस्ट इज 110. अब इसमें ऐड करोगे ओवरहेड प्लस प्रॉफिट, तो ये कितना आएगा 90. सो टोटल ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस लिखो 200. नाउ ऑन दिस 200 ऑफ सेलिंग प्राइस यू विल लेवी वैट एट 10%, सो दैट इज 20. तो आप कस्टमर से कितना लोगे 220. चला आप कस्टमर से कितना लोगे 220. सो आई विल कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर 220. बराबर है का? डू यू रियलाइज देर इज ये 200 का ब्रेकअप. What is this breakup of this 200? This is 110 and 90. तो आप जब 200 पे टैक्स दे रहे हो, आप फिर से 110 पे भी टैक्स दे रहे हो और 90 पे भी टैक्स दे रहे हो. सो 110 में तो रॉ मटेरियल है जिसपे ऑलरेडी टैक्स दिया, और टैक्स पे भी टैक्स दे रहे हो. दिस इज कैस्केडिंग इफेक्ट एंड देर इज डबल टैक्सेशन. यहाँ क्या हो रहा है? डबल टैक्सेशन एंड देर इज कैस्केडिंग इफेक्ट. Cascading effect is tax on tax. Cascading effect is tax on tax. Tax on tax. फिर से लग रहा है. Again, it is levied again and again and again. That's cascading effect. Okay, बेटा समझ में आ रहा है? चलो बेटा exam view point से this quiet quiet. This 50 marks is really very important. Stay focused in the class. आगे यहाँ देखना, अगर वैट का कॉन्सेप्ट आ गया तो रॉ मटेरियल 100, उसका वैट 10. आप खरीदते वक्त पैसे दोगे टोटल 110, लेकिन जब आप कॉस्टिंग इसके निकालोगे, गवर्नमेंट ने आपको क्या बोला, 100 रुपया अलग, 10 रुपीज अलग. तो अब आप रॉ मटेरियल का कॉस्ट लेते वक्त कितना लोगे 100. यू विल एड ओवरहेड्स ऑफ, सो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा 190. अब सेलिंग प्राइस 190 पे वैट लगेगा एट 10%, विच इज 19, एंड द टोटल सेलिंग प्राइस विल बिकम 209. डू यू रियलाइज द सेलिंग प्राइस गोज डाउन? आपने देखा सेलिंग प्राइस कम हो गया ना, इन्फ्लेशन. सेम प्रोडक्ट जो 220 में था अब कितने में अवेलेबल हो गया, 190. मतलब आप सेट ऑफ दोगे तो कॉस्ट कम हो जाएगा, आप सेट ऑफ नहीं दोगे तो हम कॉस्ट में ऐड कर देंगे. गवर्नमेंट क्या बोलती है, तुमने रॉ मटेरियल 110 में खरीदा ना, तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट 100 ही है, क्योंकि 10 टैक्स हम तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो तुम्हारा कॉस्ट थोड़ी है, वी आर एडजस्टिंग दैट 10 रुपीज. सो इफ आई गेट सेट ऑफ देन आई डोंट एड इट इन कॉस्ट, बट इफ आई डोंट गेट सेट ऑफ आई एड इट इन द कॉस्ट. बेटा यू लर्न दिस इन कॉस्टिंग ऑल्सो. जहां जहां ITC मिल रहा है तो आप कॉस्ट में ऐड नहीं करते, और जिस टैक्सेस का सेट ऑफ नहीं मिलता आप कॉस्ट पे ऐड करते हो. यू डन दिस इन कॉस्टिंग. Yes, हाँ. अब देखो यहां टैक्स लायबिलिटी निकालो. हाउ डू वी डू टैक्स लायबिलिटी? आउटपुट टैक्स कितना आउटपुट है बेटा 19, लेस इनपुट टैक्स. इनपुट टैक्स कितनी, देयरफॉर टैक्स लायबिलिटी करेक्ट है बेटा. हियर डिड वी अचीव वैल्यू एडिशन, कितना हुआ था हमारा
रॉ मटेरियल 100 का एंड आई एम सेलिंग इट फॉर 190, तो मैंने कितना वैल्यू एडिशन किया? तो बेटा एम आई पेइंग टैक्स ओनली ऑन दिस वैल्यू एडिशन ऑफ 90? Are we getting this? Correct? Up. Okay, relax. Shh. Ho gaya? Suno. Kya har taxation mein value addition hota hai? The answer is no. Now listen. Something like stamp duty. Ye ho gaya aapka? अब सुनो, स्टैम्प ड्यूटी, गवर्नमेंट कितनी बार टैक्स लेती है स्टैम्प ड्यूटी का पता है? अब जस्ट लुक एट इट, एक्स परचेज्ड आरएचपी, एक्स कौन है? बायर। उसने घर कितने प्राइस में खरीदा? 50 लाख। तो एक्स विल पे 10% स्टैम्प ड्यूटी। ये समझ के लो, बहुत इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ के लिए। तो स्टैम्प ड्यूटी कितना आया? 5 लाख। बेटा कितना स्टैम्प ड्यूटी आया? 5 लाख्स। कितना स्टैम्प ड्यूटी आया? 5 लाख्स। एवरीबडी गेटिंग दिस? अब यही घर एक्स ने तुरंत बेच दिया। वाई बॉट दिस हाउस फ्रॉम एक्स? ये पहला ट्रांजेक्शन हुआ जहां एक्स वॉज द बायर, वेयर एक्स वॉज द बायर। एक्स कौन था? बायर। एक्स इज द बायर, करेक्ट है? एक्स ने स्टैम्प ड्यूटी पे किया 10%, तुरंत कुछ ही दिनों में वाई बिकम्स द बायर। वाई नाउ, वाई बॉट इट फ्रॉम, वाई बॉट इट फ्रॉम एक्स। वाई ने किससे खरीदा? एक्स से खरीदा। अब बायर कौन है? वाई। गवर्नमेंट को तुरंत वाई विल अगेन पे 10%। अच्छा, कितने में खरीदा रहे इसने? 50 लाख्स। वाई विल अगेन पे 10% स्टैम्प ड्यूटी, मतलब वाई विल पे 5 लाख्स। बेटा वाई कितना पे करेगा? 5 लाख्स। वाई विल पे हाउ मच? 5 लाख्स। समझ में आया क्या? ओ बेटा, एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? वाई कितना पे करेगा? 5 लाख। गवर्नमेंट को एक ही घर जितनी बार सेल होगा ना, उतनी बार पैसे मिलेंगे। इधर वैल्यू एडिशन नहीं है, फिर से टैक्स देना ही होगा। स्टैम्प ड्यूटी में वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया। जिस दिन करेंगे तो गवर्नमेंट को दर्द होगा, उनका लॉस होगा। अब आगे देखो, जेड बॉट इट फ्रॉम वाई फॉर 52 लाख्स। नेक्स्ट पेज इज देयर ना बेटा? 51 लिखो। जेड बॉट इट फ्रॉम वाई फॉर 51 लाख्स। राइट डाउन, जेड बॉट इट फ्रॉम वाई फॉर वॉट प्राइस? 51 लाख्स। तो क्या होगा? स्टैम्प ड्यूटी फिर से लगेगा। घर एक ही है, तीन बार ट्रांजेक्शन हो तो गवर्नमेंट को देखो ना कितना स्टैम्प ड्यूटी मिल गया। बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी में वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट इज नॉट देयर। ये मतलब है वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो स्टैम्प ड्यूटी टू बी पेड बाय जेड कितनी? 5,10,000। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या प्रॉब्लम है इधर? देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन टैक्स। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन टैक्स। समझा क्या? वैल्यू एडिशन टैक्स का कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं है। देयर इज नो, नो वेट फॉर 2 मिनट्स, लेट मी कम टू अ करेक्ट कंक्लूजन, डोंट से एनीथिंग। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन टैक्स। नाउ डू यू नो सम टैक्सेस आर लेविड बाय सीजी एंड सम टैक्सेस आर लेविड बाय एसजी? यस। एक्साइज एंड सर्विस टैक्स कौन लेवी करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट कौन? स्टेट वैट मतलब सेल्स टैक्स कौन लेवी करता है? स्टेट गवर्नमेंट। सीएसटी कौन लेवी करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। एंट्री एंड लग्जरी टैक्स कौन लेवी करता है? स्टेट गवर्नमेंट। अलग अलग टैक्सेस है,
उसके राइट साइड पे क्या लिखा है सब कुछ नहीं समझा, लेट अस नॉट अंडरस्टैंड, इट्स ओके. नाउ लुक एट दिस, मिस्टर बाहुबली एक ट्रेडर है. कौन है मिस्टर बाहुबली? ट्रेडर. ट्रेडर मतलब बाइंग गुड्स एंड सेलिंग गुड्स. लुक एट हिज सेल्स, कितना सेल्स है. चलो चलो जल्दी करो, तुम्हारी वजह से लेट होता है मुझे. कितना सेल्स है उसका? 300. गवर्नमेंट किस पे फोकस करेगी? सेलर. गवर्नमेंट बोलेगी चल चल 30 रुपीज का वैट निकल. क्या बोलेगी गवर्नमेंट? चल चल कितना टैक्स निकाल? 30 रुपीज. तेरा सेल्स 300 है. टैक्स पेयर फोकस करता है परचेस पे, बोलते अरे खरीदते वक्त तो दिया ना गवर्नमेंट को टैक्स. गवर्नमेंट फोकस करती है सेलर पे, टैक्स पेयर जो सेलर है वो फोकस करता है परचेस पे, बोलता है यार पे तो किया ना मैंने. अब देखो ये बंदा इसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, 2 मिनट. आप मेंटली भी कर सकते हो. आउटपुट टैक्स कितना हो गया इसका? आउटपुट टैक्स 30 लेस ITC. किस चीज का मिलेगा? एक्साइज ड्यूटी का सेट ऑफ नहीं मिलेगा. वैट पे किया उसका सेट ऑफ मिलेगा. तुमको पता है जो मेरा रॉ मटेरियल है वो किसी और का फिनिश गुड्स हो सकता है. माय रॉ मटेरियल कैन बी समबडी एल्सेस फिनिश गुड्स. किसी ने वो मैन्युफैक्चर किया, एक्साइज लगाया, उसको बेचा. जो मैन्युफैक्चर होते ना बेटा, उनको दो दो टैक्सेस लगते. पहले मैन्युफैक्चरिंग करने पे एक्साइज, और उसको बेचने पे वैट. फिर से बोलो, क्या होता था? पहले मैन्युफैक्चरिंग करने पे एक्साइज, और उसको बेचने पे वैट. तो इसीलिए ये जो रॉ मटेरियल है ना, इस पे एक्साइज भी लगा और वैट भी लगा. क्यों एक्साइज क्यों लगा? क्योंकि तुमने मैन्युफैक्चर किया. फिर वैट क्यों लगा? क्योंकि तुमने बेचा. अरे लेकिन वो तो रॉ मटेरियल है. अरे वो मेरे लिए रॉ मटेरियल है, जो बेच रहा है उसके लिए फिनिश गुड्स है. झेपता क्या? हाँ. अब मुझे सेट ऑफ किस चीज का मिलेगा? सिर्फ इनपुट वैट का. इनपुट वैट, इनपुट टैक्स. मेरा इनपुट टैक्स है ओनली 11 रुपीज. सर्विस टैक्स का सेट ऑफ नहीं, एक्साइज का भी सेट ऑफ नहीं, मुझे कोई चीज का सेट ऑफ नहीं मिलेगा. यहां गवर्नमेंट को मुझे टैक्स पेएबल इज 19. फिर टैक्स पेयर को बहुत दर्द हुआ. एक्साइज ड्यूटी ऑन इनपुट्स नो सेट ऑफ. और किसका भी सेट ऑफ नहीं मिलेगा? सर्विस टैक्स नो सेट ऑफ. ये प्रॉब्लम हुआ ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स में. कहाँ प्रॉब्लम हुआ? ये ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स में. बहुत सी चीज़ों का आपको सेट ऑफ नहीं मिल रहा. आपको वैट के अगेंस्ट सिर्फ वैट का सेट ऑफ मिल रहा है, CST का नहीं मिल रहा है, एक्साइज का नहीं मिल रहा है. एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया, सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया, मुझे कुछ भी सेट ऑफ नहीं मिल रहा है. समझ में आया क्या सबको? पक्का? यस. आज हार्डली वी कुड स्टार्ट ऑफ कोर्स बिकॉज टुडे वी हैड द फर्स्ट डे, वी स्टार्टेड द लेक्चर लेट. टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट शार्प एट 8 o'clock. 8 o'clock माई लेक्चर विल बी स्टार्टेड. अंदर बीच में आपको एंट्री नहीं मिलेगा. बीच में आप अंदर आओगे तो आई विल नॉट लाइक टू गेट डिस्टर्ब. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? बी ऑन टाइम, ईट समथिंग और कैरी सम ब्रेकफास्ट. यू विल फील हंग्री अर्ली मॉर्निंग. समझ में आ गया? यस. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल वर फैंटेस्टिक. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू टुमारो. ओके, बाय बाय. सी यू टुमारो. बाय बाय. लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, बाय बाय. हाँ वो भी है, अभी सब लाइव स्ट्रीमिंग ही देख रहे हैं. बाय बाय. क्या का है? लाइट्स है? बाय बाय. Bye, 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 bye. Bye, see you. Enjoy your group 2 classes today. First day of group 2, right?